हेलो हेलो हेलो। चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट रादर। सो चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, हम लोग उसको शुरू करेंगे। और इस बार जो हम लोग मिले हैं, विल स्टार्ट विद सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर सब्जेक्ट। सो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, दिस इज द सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का है। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट, जल्दी ज्वाइन कीजिए। हाँ, भाई भाई बैठे रहे, जब तक चलता है मजे करेंगे, नहीं बोर हुआ तो बंद कर देंगे। अब बोलना मत 5 मिनट का बोर हो रहा है सर, बंद करो बस। ना लिसन टू मी, सब बच्चे ध्यान देखिए। ये सब्जेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट ना डिफिकल्ट है, इसमें स्कोर कम करेंगे हम, यू नो चैलेंजिंग है ये सब्जेक्ट, इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सब लोग इस सब्जेक्ट में रोते हैं, सब लोग इस सब्जेक्ट में रोते हैं। बट जब रिजल्ट आता है तो, मतलब मेरा जो पिछली बार का रिजल्ट था, उसमें सबसे ज्यादा एग्जम्पशन, जो ग्रुप 1 के 3 लॉ के सब्जेक्ट हैं, उसमें सबसे ज्यादा एग्जम्पशन अगर आए थे तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में आए थे। ठीक है, सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी सब्जेक्ट। बट ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा दर्द देगा। मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट बहुत हैवी जा रहा है, कुछ इस टाइप का लगेगा। बट आई एम वेरी श्योर कि थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी के साथ अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं। नाउ ये सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सो दिस सब्जेक्ट इज टोटली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नाउ अब बच्चों, ये सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है, दिस इज फॉर 40 मार्क्स। दूसरा जो पार्ट है, इट इज फॉर 35 मार्क्स। और तीसरा जो पार्ट है, इट इज फॉर 25 मार्क्स। तो टोटल ऐसे ही इस सब्जेक्ट का डिवीजन है। ठीक है, नाउ अब ये जो पार्ट ए है, कितने मार्क्स का है? पार्ट ए इज फॉर 40 मार्क्स। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। 90% बच्चे क्या करते हैं, वॉट डू दे डू इज पार्ट ए एकदम अच्छे से करेंगे और पार्ट सी अच्छे से करेंगे। मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिल हैव अ स्ट्रैटेजी दैट यू नो वी आर गोइंग टू डू दीज पार्ट्स एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दिस पार्ट। सो ये बच्चे एक स्ट्रैटेजी बना के, एक रणनीति बना के एग्जाम में उतरते हैं। और होता क्या है, हाँ ये पार्ट ठीक ठाक, इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, 20 में से 25 में से 15 यहां पे एवरेज सब स्कोर कर लेते हैं। ये 40 जो है, ये 40 इज समवॉट रिस्की, ट्रिकी है थोड़ा सा। इंस्टीट्यूट यहां पे घुमा सकती है क्योंकि यहां पे इस 40 में मान के चलिए अराउंड 20 मार्क्स का आप मान के चलिए कंपनी लॉ ही है, तो वो 20 मार्क्स में इंस्टीट्यूट घुमा देती है। मतलब वो आपको कंफ्यूज कर देती है, लॉ का इंटरप्रिटेशन तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करती है। ठीक है, और 20 मार्क का भी इसमें स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, जो मोदी जी का पूरा पूरा पॉलिसी है, स्टार्टअप इंडिया का पॉलिसी है। देन आपका ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरीज, देन आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है। सो देर आर मेनी चैप्टर्स इन पार्ट बी, इन पार्ट ए देर आर मेनी चैप्टर्स। और वो सारे चैप्टर्स मिला के कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के। और बच्चे सबसे ज्यादा लायक इसके, सबसे ज्यादा, अभी भी 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो सबसे अच्छे से क्या करके जाएंगे? सबसे अच्छे से वो करने वाले हैं पार्ट ए। और पार्ट ए में ये वाले 20 मार्क्स और ये वाले 20 मार्क्स दोनों जगह पे आईसीएसआई बच्चों को लटकाती है।
लटकाती मतलब धोखा होता है यहां पे, हम सोच के कहते हैं कि बहुत इजी है बट यहां पे डिफिकल्ट होता है। सो और इस पार्ट को बच्चे सबसे ज्यादा इग्नोर मारते हैं। शिवम तूने भी सबसे ज्यादा किसको इग्नोर मारा था, पार्ट बी को आपने? अच्छा मॉडल टू दिया था, ओके दैट्स राइट। सो ऐसा बच्चों की एक मन में स्ट्रेटजी होता है कि पार्ट बी को वी डोंट टेक सीरियसली। और मैं जो मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी, जो पिछली दो बैचेस से मैंने स्ट्रेटजी चेंज की है इसको पढ़ाने की, और बिलीव कीजिए पिछली दो बैचेस का मेरा आप रिजल्ट देखें तो सबसे ज़्यादा एग्जम्पशन मेरे एसबीसी में है। उसका रीज़न एक ही है कि मैं इस पार्ट पे, मतलब ये पार्ट तो डेफिनेटली हम इस पे तो फोकस करते ही हैं, इस पे भी फोकस करते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता हूँ पार्ट बी के लिए। मेरा पार्ट बी पे एक विशेष फोकस रहता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट बी, और मैं एसबीसी की जो मैं स्ट्रेटजी वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के लिए या अपने बच्चों के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सबसे पहले पार्ट बी सॉल्व कीजिए। आपने अगर एग्जाम में पार्ट बी अच्छा सॉल्व कर लिया ना तो पार्ट ए और पार्ट सी आपका अच्छा सॉल्व होगा ही, क्योंकि पार्ट बी जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपको ऐसा लगता है कि यार एक जो डिफिकल्ट पार्ट था, एक जो कठिन पार्ट था वो मैंने निकाल दिया, एंड देन पार्ट सी सबसे, ये तो आपके मुंह पे उन्होंने आईसीएसआई ने 25 मार्क फेंक के मारे हैं। पार्ट सी में यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू डू 3 चैप्टर्स, स्ट्राइकिंग ऑफ, डॉर्मेंट कंपनी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तीन ही टॉपिक्स आपको करने हैं एंड दीज 3 टॉपिक्स अकाउंट्स फॉर 25 मार्क्स। तीनों मुश्किल से मिला के 40 पेजेस होंगे तीनों का मेरे नोट्स में। ये वाला मैं आपको पूरा बेयर एक्ट से भी पढ़ाऊंगा, नोट से भी पढ़ाऊंगा, ये डॉर्मेंट कंपनी, ये भी कंपनीज एक्ट का पार्ट है, तो बेयर एक्ट और नोट्स दोनों पढ़ाऊंगा मैं। सो ये दो पार्ट्स में मेरा यकीन मानिए एक मार्क्स भी आपका नहीं जाएगा ये दो पार्ट में। आईबीसी ये प्रॉपर जो बेयर रेगुलेशंस हैं मैंने उससे नोट्स आपके बनाए हैं, तो वहां पे भी हालांकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अपने आप में एक सब्जेक्ट है सीएस प्रोफेशनल पे, आईबीसी इज इन इटसेल्फ अ सब्जेक्ट इन सीएस प्रोफेशनल, बट यहां पे उन्होंने क्या किया है समरी दिया है, तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि व्हाट आईबीसी, जो आप फाइनल में पढ़ेंगे आईबीसी क्या है, वो आपको यहां पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सो ये भी काफी अच्छा है। सो बच्चों ये पार्ट में 25 में से हमारे स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स आएंगे ही दैट आई कैन गिव इन राइटिंग। पार्ट ए नॉर्मली जिसने मेरे से पढ़ा है, जिसने पूरे इंडिया में कहीं से ही पढ़ा है, वो पार्ट ए नॉर्मली सबको मिक्स से आता है, मतलब वहां पे मान लीजिए 40 में से आप 25 मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं। सो आप समझिए 45 मार्क्स लगभग हर एक आदमी एसबीसी में आसानी से स्कोर करता है। पार्ट बी एक ऐसा पार्ट है जिसको सब बच्चे छोड़ के जाते हैं, और जो बच्चे आईसीएसआई के मॉड्यूल से पढ़ते हैं वो वहां पे तो और प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो मॉड्यूल में तो और पता नहीं क्या लैंग्वेज है और क्या क्या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है मॉड्यूल से पढ़ना। सो बच्चों व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स, पार्ट बी मैं मानता हूँ कि अगर ये 35 मार्क्स में से भी अगर हम 20 मार्क्स ले लेते हैं, इफ वी स्नैच दीज 25 मार्क्स, कैन आई से हमारा स्कोर हो जाता है 65। सो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको हमेशा नहीं बताऊंगा बट मैं आपको बार बार बोलूंगा कि पार्ट बी पे हमारा फोकस अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, पार्ट ए में हम कंपनीज एक्ट काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे। पार्ट बी जो है इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। जो लोग सीएस करने के बाद प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो सीएस करने के बाद प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, कोई है? पता है ना सीएस करने के बाद इधर यू वर्क इन सम कंपनी, वर्क फॉर सम कंपनी, और यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। योर ओन प्रैक्टिस मींस आप एक अच्छा ऑफिस लेते हैं एंड देन आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, आप सिक्योरिटीज ऑडिट करते हैं, आप आईपीओ की एडवाइजरी करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, यू डू हेल ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली द स्टूडेंट्स हु इंटेंड, यहाँ पे अभी भी कुछ बच्चे विनय पाटीदार, विनय इज आस्किंग सर अभी से स्टार्ट किया तो बोथ मॉड्यूल क्लियर किया जा सकता है इन दिसंबर? डिपेंड करता है कि आपने पहले कितना पढ़ा है, क्योंकि अगर अभी से आप बोथ ग्रुप का एक क्वेश्चन है तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन, अगर आप अभी से बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो
वट आई फाइंड इज डिफिकल्ट बिकॉज कंसिडरिंग द टाइम दैट यू हैव, ये कौन सा महीना है, जून, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, नॉर्मली 4.5 से 5 महीने आपके क्लास के लगते हैं एंड ग्रुप वन का सिलेबस ग्रुप टू के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। ग्रुप टू तो हम लोगों ने पिछली बार 3.5 महीने में खत्म कर दिया था, ग्रुप टू को हमने दिन रात क्लासेस ली। यू वर देयर ना, ग्रुप टू में थे क्या पिछली वाली बैच में, अभी वाले बैच में थे क्या, लेकिन आप ये बब्बर लोगों की बैच, सब्यसाची आप थे, खुशी थे, गाना गाते थे एक बार, अच्छा वो दूसरी खुशी थी, ओके एक बैच में 5-5 खुशी थी हमारे पिछले ना, वन वॉज फ्रॉम हरियाणा, सम वन वॉज फ्रॉम नैनीताल, देन एक औरंगाबाद की थी, गाने वाली औरंगाबाद वाली थी क्या, ओके ओके सो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पार्ट जो ग्रुप वन है इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। ग्रुप वन में रादर मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्रुप वन एक प्रकार का बेस है, तो ग्रुप वन में पढ़ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज कंपनीज एक्ट अपने आप में इट टेक्स अराउंड 200 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट सिर्फ कंपनीज एक्ट का है, 140 घंटे का SBC और JIJL का, अराउंड 200 घंटे प्लस का कंटेंट टैक्स का है, तो उतना ग्रुप वन में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो मेरे ख्याल से बोथ ग्रुप अगर आप आज से स्टार्ट करते हो और आपने अच्छे से पढ़ना है तो बोथ ग्रुप दोनों साथ में करना, प्लस सेल्फ स्टडी भी करना है रोज की 3-4 घंटे की, इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए आप सबको पता होगा, मैंने आप सब में से जिसने भी मुझसे बात की है या हमारे स्टाफ से बात की है, वी हैव ऑल लाइक एडवाइज्ड गो फॉर एनी ग्रुप, और शुरू कर रहे हो तो हमने कहा कि ग्रुप वन से शुरू कीजिए क्योंकि एक थोड़ा सा आपको बेस एस्टैब्लिश हो जाएगा। एनीवे हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो पार्ट बी है वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का पार्ट है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि आज की तारीख में जो स्टार्टअप इंडिया का सिस्टम चल रहा है, सो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सनी करके मेरा एक स्टूडेंट है, सनी गोगिया, ही वॉज वर्किंग विथ PwC, देन PwC उसने छोड़ दिया एंड ही हैज स्टार्टेड हिज ओन प्रैक्टिस। PwC में ही वॉज गेटिंग अ पैकेज ऑफ 9 लाख रुपीज एट द एज ऑफ आई थिंक 23-24 की एज में उसको 9 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, ही लेफ्ट एंड ही स्टार्टेड विथ हिज ओन प्रैक्टिस इन मुंबई। सो वॉट डज ही डू, वो बताता है कि सर मेरे पास सबसे ज्यादा जो केसेज आते हैं वो स्टार्टअप के केसेज आते हैं। किसके केसेज आते हैं, स्टार्टअप्स, और इंडिया में थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, स्टार्टअप पहले भी था, मोदी जी के आने के पहले भी स्टार्टअप था, बट वॉट मोदी हैज डन इज उसने लोगों को बताया कि वॉट एग्जैक्टली द स्टार्टअप इज। बींग अ लॉ टीचर मुझे नहीं पता था स्टार्टअप जैसा भी कोई केस होता है, हमको क्या पता था कि अर्ली स्टेज एंटरप्राइजेज होती हैं, नई कंपनीज होती हैं, ये नहीं पता था कि स्पेसिफिकली उस चीज को हम क्या कहते हैं स्टार्टअप, और किसी को भी नहीं पता था क्योंकि स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी मेरे ख्याल से 2014 में आई। तो ही ब्रॉट सो मेनी थिंग्स और उसके चक्कर में इंडिया में एक कंसेप्ट आ गया, और आपने अभी देखा होगा कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कहीं पे भी पहुंच जाता है। मुंबई में आप में से कई लोग मुंबई में हैं, मुंबई में जेप्टो करके एक स्टार्टअप है, सुना है किसी ने, 10 मिनट्स में वो ग्रॉसरी डिलीवर करते हैं, जैसे डंजो वगैरह है, एंड इट स्टार्टेड बाय दो लोगों ने स्टार्ट किया, एक 20 साल का लड़का है, एक 23 साल का, 20-20 साल की एज में उन्होंने स्टार्टअप किया, स्टार्ट किया जेप्टो। उनका वैल्यूएशन क्या है आज, 7,500 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है, 7,005, मेरे से 13 साल छोटे। अब इंस्टाग्राम पे मैं उसका प्रोफाइल देखूंगा, वो रोल्स रॉयस के साथ फोटो खिंचवाएगा, मैं अपनी क्विड के साथ फोटो खिंचवाऊंगा जिसका पेट्रोल भी मैं ले देके डला पाता हूँ, तो कितना इन्फीरियर फील होगा, लगेगा साला हमारा तो जीना ही व्यर्थ है, इसलिए अपन इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड सेम थिंग आई एडवाइस, बिकॉज सी, और लाइफ में मैं आप सबको एक सलाह देता हूँ, मैं हमेशा हर एक आदमी को ये सलाह देता हूँ, और हो सकता है कि मेरी सलाह गलत हो, बट मैं हर आदमी को ये सलाह देता हूँ कि लाइफ में आप कितने फास्ट हो और कितने स्लो हो इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मैंने शिवांग के पेरेंट्स जब आए थे तो मैंने बताया था, शायद मैंने आपकी मॉम को भी शायद बोला था, नहीं बोला था, बट मैं नॉर्मली सबको बोलता हूँ, आपको इसलिए बोला क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत एज में कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नॉर्मली सबको बोलता हूँ कि कभी भी इस चीज से कंपैरिजन आज की तारीख में नहीं होना चाहिए। पलक मैंने आपको भी शायद बोला है कई बार कि मेरा एज बढ़ गया, मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल गए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सिद्धू मूसेवाला 28 की एज में 35 करोड़ का नेटवर्क था, ही डाइड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।
डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 79. बराक ओबामा की दो प्रेसिडेंट की टर्म 55 में कंप्लीट हो गई. टिल 51 मोदी वॉज नो वेयर इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. टिल द एज ऑफ 51 मोदी वॉज नो वेयर इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री. एट द एज ऑफ 52 नितिन गडकरी वॉज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सो अगर 52 की एज में आप मोदी और नितिन गडकरी का कंपेयर करते तो आप आज प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते? नितिन गडकरी. दैट डज नॉट मीन कि नितिन गडकरी खराब है, वो अपने आप में टैलेंटेड आदमी है. सो बच्चों लाइफ में एक चीज याद रखिए, प्लीज इस चीज से बाहर निकल जाइए कि वो एज के टर्म्स में मेरे से आगे निकल गया. मेरी वाइफ जिस दिन मुझसे गुस्सा होती है उस दिन बोल देती कि देखो वो आपकी एज में इतना आगे निकल गया. मैं ठीक है, हमारी भी एज आने की बाकी है, आज नहीं तो कल करेंगे. बट कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. एंड देन जब मेरी वाइफ का मूड अच्छा होता है तो शी सेज कि यार आप बहुत मेहनत करते हो एंड यू हैव अचीव्ड सो मच. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझो आप सब अचीवर्स हैं, आप सबने, और हर एक आदमी अपने अपने टाइम जोन में चल रहा है. कोई किसी से फास्ट नहीं है, कोई किसी से स्लो नहीं है, याद रखिए बच्चों. हर बैच में मैं अपने एक भैया का एग्जांपल देता हूँ, मनीष मिश्रा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. ही क्लियर्ड सीएस एग्जीक्यूटिव इन 7 अटेम्प्ट्स, ही क्लियर्ड सीएस फाइनल इन 7-8 अटेम्प्ट्स. ही बिकेम सीएस एट द एज ऑफ 30. कितने की एज में? आप कितने साल के हो? 18. मतलब आपसे 12 साल लेट. आप तो 20 साल की एज में सीएस बन जाओगे अगर सब कुछ एक एक बार में क्लियर करते गए. मनीष बिकेम सीएस एट द एज ऑफ 30 और उसने पार्ट टाइम जॉब, मैंने कई लोगों को बोला कि अगर आपकी एज लेट होती 25 तक आप सीएस नहीं बने तो आप पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दो, या जॉब शुरू कर दो और जॉब के साथ में करो. सो 25 से उसने एनएसडीएल में काम करना शुरू कर दिया. एनएसडीएल में एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे उसने सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में कुछ तो काम करना शुरू कर दिया. एट द एज ऑफ 30 की एज में एनएसडीएल, उसने सीएस की डिग्री आने के बाद एनएसडीएल छोड़ दिया. उसका पैकेज 12 लाख का था मक्वायरी में एट द एज ऑफ 30. जैसे उसका सीएस क्लियर हुआ उसने एनएसडीएल छोड़ा, मक्वायरी गया, मक्वायरी में 12 लाख का पैकेज दिया. और उसके बाद ही वॉज माई फ्रेंड, मैं उनसे छोटा हूं 8 साल. फिर उन्होंने मेरा जॉब भी मक्वायरी में लगवा के दिया 12 लाख के पैकेज में. लेकिन जब मैं 12 लाख के पैकेज में उन्होंने मेरे को लगवाया तो उनका पैकेज ऑलरेडी 20 के आसपास हो चुका था. एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग विथ सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन, वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं, आपको पता होगा सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन. हिज पैकेज इज मोर देन 1.5 crores. टुडे ही वुड बी अराउंड 43-44. ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ वो 13-14 साल की है, 13-14 साल पुरानी है. जब मैं मुंबई में आई यूज टू बी अ स्ट्रगलर, तो खैर आज भी हूँ, बट उस समय स्ट्रगल अलग था. पैसे कम होते थे, ट्रेन में बहुत सारा ट्रेवल करना होता था. सो और उसका अपना मजा था, इट हैड इट्स ओन प्लेजर. नाउ एनीवे, सो लाइफ में मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगा, एवरीवन, चाहे राकेश हो, विनीत हो, यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चे, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन. यू आर रनिंग एट योर ओन स्पीड. बच्चे बताइए ना, आपसे कोई 3 साल आगे भी है, पलक मान लो तुमसे 3-4 साल पहले सीएस बन गया, क्या एक्स्ट्रा कर रहा है वो अपनी लाइफ में? कुछ भी नहीं कर रहे. और आप 3 साल पीछे हो, इसका मतलब तो ये नहीं है कि जिंदगी भर आप पीछे रहने वाले हो. यू जस्ट नीड 1 chance इन योर लाइफ, और एक चांस अगर आपको मिल गया तो आप खटाक से कहां पहुंच जाते हैं. सो कभी भी कंपेयर मत करना बच्चों. लिव स्ट्रेस फ्री रहो, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो. हाँ, लेकिन एक ही चीज मैं बोलूंगा, मेहनत करने में किसी से कम मत रहो. मैं आपको, अभी मैं गया तो मुझे मेरे स्टाफ वाले बोल रहे थे कि सर आप कैसे पब्लिक के बीच में बोलते हो कि हम छोटी क्लास है. हम छोटी क्लास नहीं है सर, हमारे पास इतना बड़ा प्रमाइसेस है, हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, आपके पास इतने सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, फिर भी आप बोलते हो कि छोटी क्लास है. मैंने बोला क्या दिक्कत है? मैं ये बोलूं कि मैं इंडिया की नंबर 1 क्लास हूं, मैं बहुत बड़ी क्लास हूं, मैं ऐसा बोलूंगा तो बच्चे मेरे से दूर भाग जाएंगे. और हैं तो हैं छोटी क्लास, बड़ी क्लास तब मानूंगा जब मैं एक साल में 100 करोड़ 200 करोड़ का टर्नओवर मारेंगे.
छोटा बड़ा कुछ नहीं, अपन मेहनत करते हैं, मेहनत करने में भले मैं बोलता हूँ कि मैं छोटी क्लास हूँ बट मैं मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं रखता, आई विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, सो जस्ट गिव योर बेस्ट। क्या करने का? गिव योर बेस्ट। आपको लगना चाहिए कि इससे बेहतर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, बात खत्म। आप मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, फेल हो जाओ, देर इज नो प्रॉब्लम, मेरे को पता है आप अगली बार पास हो गए, बट मेहनत कर। और अगर सीएस नहीं भी बन पाए ना, मेहनत करने की आदत आ गई ना और सीएस नहीं भी बन पाए, सीएस से अच्छा करोगे, जो भी काम करोगे उसमें सफल जरूर होगे। मनीष गुप्ता करके देर वॉज माई स्टूडेंट इन 2015-16, ही वॉज सो हार्ड वर्कर, आई टेल यू, लाइक बीकॉम किया, उसके पिताजी नहीं थे, ठीक है, बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद 2 साल तक उसने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब किया, ही इज फ्रॉम अकोला, 2 साल तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया, उसने अच्छे पैसे जमा किए, 2-2.5 लाख रुपए जमा किए, ही केम टू पुणे, ही स्टार्टेड विद सीएस एग्जीक्यूटिव, बीकॉम के बाद उसने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कराया, एंड बिलीव मी गाइस, मतलब मेरे दिल के इतने करीब था वो बंदा, उसने बहुत मेहनत किया, लाइक रात को 4-4 बजे तक पढ़ता था, मुझे फोटोज, अब उस समय मेरे ख्याल से व्हाट्सएप वगैरह था शायद, फोटोज भेजता था, बट आई न्यू कि वो ईमानदारी से पढ़ता है, फिर भी उसका क्लियर नहीं हुआ, एक अटेम्प्ट दिया क्लियर नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिया क्लियर नहीं हुआ, 3rd अटेम्प्ट दिया क्लियर नहीं हुआ, बट ही वॉज वेरी 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 हार्ड वर्कर। फिर उसने मेरे पास आया कि सर मैं सोच रहा हूँ सीएस से ब्रेक ले लूँ, मैंने काम कर ब्रेक ले ले, पार्ट टाइम में कंटिन्यू कर। अब उसने जॉब स्टार्ट किया, वापस से वो क्या बन गया, एमआर बन गया, एंड देन ही स्टार्टेड हिज जॉब, टुडे ही इज अ रीजनल मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड हिज सैलरी इज अराउंड 1.3 लैक्स पर 1.3 लैक्स पर मंथ उसके हाथ में आता है उतना कुछ। और कहाँ पे रह के? अकोला में रह के। अकोला में अगर 1 लाख रुपए भी आप महीने का कमा रहे हो तो पुणे का वो 5 लाख है, बंगलो में रहता है वो, अपने जो पापा का बंगलो था उसमें रहता है, यहाँ पुणे में साला हम जिंदगी भर लोन ही रिपे करते रहते हैं घर खरीदने के बाद, और घर खरीदने के बाद इंटीरियर करवाने के लिए अलग लोन लेना पड़ता है, एक टॉपअप कराना पड़ता है। सो बिलीव मी, मेरा यकीन मानिए, मेहनत करना सीखना है अपने को बच्चों। सीएस बने डेफिनेटली, आप सब बनोगे मेहनत करोगे तो, बट अगर नहीं भी बनते तो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, और कभी आप इस चीज की चिंता मत करना बच्चों, मेहनत करने वाले आदमी को कभी भी जिंदगी में भूखा नहीं रहेगा, वो कभी भी अपनी, ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल ना कर पाए। अब आप बोलोगे नहीं सर मेहनत तो मजदूर करता है तो सबसे अमीर तो मजदूर को होना चाहिए, यस, बट ही लैक्स एडुकेशन, ही लैक्स द बेसिक एडुकेशन विच इज वेरी इसेंशियल नाउ डेज, ठीक है। एनी वे, सो पार्ट बी में, वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिस, वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिस, वेन स्टार्टअप, जब स्टार्टअप्स, इंडिया का जो कंसेप्ट है स्टार्टअप का, तो दिस सनी गोगिया वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वॉट डज ही डू इज, इसके पास कम से कम 400 स्टार्टअप कंपनीज हैं, कितनी, ही हैज अराउंड 400 स्टार्टअप्स विथ हिम। अब स्टार्टअप्स में काम क्या होता है, सबसे पहले तो फंडिंग, उनको शेयर्स, वो सीरीज फंडिंग होती है, ए सीरीज बी सीरीज फंडिंग, फंडिंग कोई और करता है, इन्वेस्टर कोई और होता है, बट उसके कंप्लाइंसेस, क्योंकि अपन उनको नए शेयर्स इश्यू करते हैं तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है, फिर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए अप्रूवल्स वगैरह होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। फिर स्टार्टअप को ट्रेडमार्क चाहिए, लाइसेंस चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका जो स्टार्टअप है वो फूड सेक्टर में, कौन सेक्टर में, तो फूड सेक्टर में FSSAI का लाइसेंस चाहिए। डू यू नो इफ यू वॉन्ट टू हैव अ होटल, अगर आपको एक होटल खोलना है, 5-star होटल 3-star होटल वट एवर स्टार होटल यू वॉन्ट टू ओपन, आपको कितने अप्रूवल्स लगते हैं जस्ट टू ओपन वन होटल, हाउ मेनी अप्रूवल्स आर यू रिक्वायर टू हैव, आइडिया? कम से कम आपको 150 अलग अलग लाइसेंसेस लेने होते हैं फॉर ओपनिंग वन होटल, अच्छे होटल्स की बात कर रहा हूं, 3-star एंड अबव मान लीजिए। इसीलिए आपको पता है ये जितने भी टाटा जो बड़े बड़े 5-star प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी रेंटेड होती है, पता है आपको? मैरियट के जितने भी होटल पूना में है, एवरी होटल बिलोंग्स टू सम पॉलिटिशियन, मैरियट उनको क्या करता है, लीज पे ले लेता है, क्यों? किसी मेरे आपके जैसे या फिर किसी बड़े आदमी के लिए, JW मैरियट के लिए भी ये सारे लाइसेंसेस लेना पॉसिबल नहीं है, वो लाइसेंस सिर्फ एक पॉलिटिकल पहुंच वाले आदमी को ही मिल सकते हैं,
यू नीड टू हैव सो मैनी लाइसेंसेस, अपने को पता भी नहीं है इतने लॉज हैं, इतने फालतू फालतू लॉज है ना, चिमनी की हाइट, किचन में जो अपन चिमनी लगाते हैं ना उसकी भी हाइट को लेकर एक लॉ है, उसके लिए भी अप्रूवल लगता है आपको। समवेयर मोदी वॉज गिविंग अ स्पीच, अभी गए थे वो फॉरेन में, जर्मनी में, बर्लिन में, जब वो स्पीच दे रहे थे तो ही सेड कि मैंने 1400 लॉस को खत्म कर दिया है। कितने लॉस को? 1400 लॉस को मैंने खत्म कर दिया है। इंडिया में इतने अननेसेसरी लॉस हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, और उसके अंदर होटल खोलने के लिए कुछ 150 अप्रूवल्स लगते हैं। इसलिए यू विल सी कि सारे बड़े लोग क्या करते हैं, या लाइट चली गई क्या, नेट डिस्कनेक्ट हो गया? तो वट ऑल दीज पीपल डू, तो ये सारे लोग क्या करते हैं बच्चों, ये सारे लोग लाइसेंस देते हैं। सो व्हेन यू कम इन टू प्रैक्टिस, जब आप किस में आते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं, तो हर एक बिजनेस के लिए लाइसेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन आपको पता होगा जिसकी भी दुकान है, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन। कोई भी दुकान खोलिए तो व्हाट यू नीड टू हैव इज शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, जो 200 रुपए में मिल जाता है। तो ऐसे ही दुनिया भर के लाइसेंस होते हैं, और ये सारे लाइसेंस की जरूरत आपको कब पड़ेगी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स। पता है कॉपीराइट्स क्या होता है? क्या होता है बेटा जानवी? एग्जैक्टली, जहां पे आर्टिस्टिक वर्क होता है, म्यूजिक, देन आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ये सब के ऊपर क्या होता है, मूवीज की स्क्रिप्ट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये सारी चीजें, मेरा लेक्चर, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, इन सारी चीजों के ऊपर क्या होता है, कॉपीराइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉपीराइट्स होते हैं। यार वाईफाई बंद हो गया। एक मिनट बच्चों, अरे वाईफाई बंद हो गया भैया, देखो एक बार यार। यार एक काम करना, ऑफिस में जाके पूछना, राउटर में ब्लू लाइट है क्या? आप चले जाओ ना एक बार पीछे, बोला सर राउटर में ब्लू लाइट चालू है क्या? बोला वाईफाई बंद हो गया सर का ना। हाँ जी, सो पार्ट बी में अपन पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट वॉट, लाइसेंसिंग। अब मैं लेबर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अच्छा, बिजनेस चालू कैसे करना है? ओके, बिजनेस चालू कैसे करना है, हाउ डू वी नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एन एग्जाम्पल कि मुझे रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना है, हाउ कैन आई स्टार्ट विथ? सबसे पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपना जो बिजनेस है वो कौन सी, अपनी जो बिजनेस है वो कौन सी एंटिटी के थ्रू चलाऊं। शुड आई स्टार्ट विथ माई बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म, LLP बनाऊं, कंपनी बनाऊं, या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के थ्रू कंटिन्यू करूं? देन उसके बाद लॉज मेरे ऊपर बहुत सारे एप्लीकेबल थे, क्योंकि मैं रियल एस्टेट बनाऊंगा तो जिस जगह पे मैं बिल्डिंग बनाने वाला हूं मुझे ये चेक करना पड़ेगा कॉरपोरेशन के जितने भी लाइसेंस, जो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है उससे लाइसेंसेस लगेंगे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगेगा। देन इसके अलावा भी 25-50 लाइसेंसेस और हैं, GST रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर की चीजें हैं। यस और नो बच्चों? तो ये पार्ट ए में, पार्ट ए में क्या हो जाएगा कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू कैसे करनी है, पार्ट बी में क्या हो जाएगा लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन क्या है, और पार्ट सी में बिजनेस चला तो अच्छा है, नहीं चला तो बिजनेस को बंद कैसे करना है। पार्ट सी आपको क्या बताएगा, हाउ टू शट योर बिजनेस। अच्छा, स्टार्टअप्स जब हम बात करते हैं अच्छे टाइम की, तो हमको बात करना चाहिए ग्लूमी टाइम की, खराब टाइम की भी। 100 स्टार्टअप इंडिया में, आई थिंक मैं कुछ तो डेटा पढ़ रहा था, इंडिया में 4000 नई स्टार्टअप्स रोज रजिस्टर होती है। आई थिंक 4000, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अराउंड 4000 स्टार्टअप्स जो रोज इंडिया में रजिस्टर होती है।
4000 स्टार्टअप में से, मतलब महीने की मान लीजिए 1,20,000 स्टार्टअप, बच्चों के फोन आना शुरू हो गए, उठा के भी क्या बोलूं। मान लीजिए 1,20,000 स्टार्टअप जो है क्या हो रहे हैं बच्चों, वो रोज इंडिया में क्या हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, या महीने के 1,20,000 स्टार्टअप हो गए। लेट्स सी 1,20,000 अगर मान लो महीने के 1,00,000 स्टार्टअप भी होते हैं रजिस्टर, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप हमें जो भी है, मुझे बताइए। अच्छा यहाँ पे स्टार्टअप मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि नया बिजनेस, इट कैन बी इन एनी वे, मुझे बताइए नए बिजनेस में कितने बिजनेस सफल हो पाते हैं, रेशियो कुछ 95,000 स्टार्टअप जो हैं शुरू के एक साल में ही बंद हो जाती हैं। जो पेटीएम के मालिक हैं, जो जोमैटो के मालिक हैं, आपको सबको पता होगा, जो ओला के मालिक हैं, इन सबका ये जो वेंचर, भारत पे के जो मालिक हैं अश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने फाउंडर नॉट मालिक देयर फाउंडर्स, इन सब लोगों का जो वेंचर हिट हुआ है ये पांचवा या छठवा वेंचर था। दिस वॉज द फिफ्थ और सिक्स्थ वेंचर दैट क्लिक्ड। उसके पहले मतलब उनके सारे वेंचर्स क्या हुए, उन्होंने भी तीन तीन चार चार पांच पांच वेंचर्स उनके क्या हुए हैं, उनके फेल हुए हैं, एंड देन समवेयर दे गॉट अ सक्सेस इन देयर सिक्स्थ वेंचर। मतलब 1,00,000 में से 95,000 स्टार्टअप क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो कैन आई से ये जो फेल्ड स्टार्टअप है, जैसे हमने कंपनी बनाई, कंपनी नहीं चली, मेरी कंपनी फेल हो गई, तो कैन आई से वो कंपनी जब बंद हो जाएगी तभी तो मैं नई कंपनी शुरू करूंगा। तो सुनो, अच्छा जो स्टार्टअप पॉलिसी है, या अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि भारत देश को लोग माने कि भारत में व्यापार करने का जो वातावरण है, जो बिजनेस एनवायरमेंट है, वो काफी अच्छा है, इफ आई वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड, तो कैन आई से जितना आसान हमारे देश में कंपनी बनाना है, कहना इसे उतना ही आसान हमारे देश में कंपनी को बंद करना भी होना चाहिए। देर शुड बी यू नो इजी एग्जिट रूट ऑल्सो, कि भाई चलो मेरा ये बिजनेस नहीं चला यार, बंद हो गया नेट, अभी भी नहीं आया, हाँ एक बार। तो अगर नहीं चल रहा है बिजनेस, नहीं चल रहा है, तो कहना इसे देर शुड बी एन ईजी एग्जिट रूट, जहां पे मैं अपने बिजनेस को बेचूं, अपने क्रेडिटर्स के डेट को क्या करूं, सेटिस्फाई करूं, और अगर मान लो क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो सेटलमेंट करूं और कहानी खत्म करूं, नया बिजनेस तुरंत स्टार्ट करूं। तो ये तीनों चीजें, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये जो तीनों पार्ट्स हैं बच्चों, ऑल दीज थ्री पार्ट्स वुड मेक यू एन एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस। कई लोग सीएस करके, मैंने एक पोल करवाया था यूट्यूब पे कि सीएस करके बिजनेस कितने लोग, आप में से शायद किसी ने वोट भी किया हो कि सीएस करके कितने लोग हैं, लाइक कितने लोग जॉब में जाना चाहते हैं, कितने लोग प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, और कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहते हैं। सो सिर्फ 6% लोगों ने क्या लिखा, दैट वी वुड विश टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप। 6-8% लोगों ने लिखा वी वुड विश टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप। 78% लोगों ने कहा कि सीएस करने के बाद दे वुड लव टू स्टार्ट विद जॉब, और 20-22% लोगों ने, जो भी बचा हुआ 10-12% लोगों ने लिखा कि हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सिर्फ 6% था कि हम क्या लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। जबकि मेरा यकीन मानिए, यू ऑल शुड गिव एंटरप्रेन्योरशिप अ ट्रायल। सीएस करने के बाद थोड़े पैसे उधार ले लो, मम्मी से ले लो, पापा से ले लो, एंड यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। बिकॉज प्रोसीजरल पार्ट आपको पता है, फंडिंग मैं आपको पूरी सिखाऊंगा, कंपनीज एक्ट में, SBEC में, सिक्योरिटीज में, ये तीनों जगह। ग्रुप टू में सिक्योरिटीज तो पढ़ा है खुशी ने, क्या हो गया, कैसे कट गई, किसकी कट गई, अच्छा अपनी क्लास से नहीं कटी क्या, ग्रुप पे डाल दे मैसेज, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सो मैं ये बोल रहा था कि You can always take entrepreneurship. आप हमेशा क्या कर सकते हैं, entrepreneurship ले सकते हैं, एक बार try. देखो, you all have one advantage. जहाँ पे CS बन गए आप, आपका future तो secured है यार,
और सीएस करके स्टार्टिंग विथ 5 लाख का पैकेज आप 5 करोड़ के पैकेज पे भी पहुंच सकते हो, मतलब आपकी लाइफ अच्छी निकलने वाली है सीएस करने के बाद। और सबसे बड़ी बात साला, सीएस करते करते इतना सस्ता कोर्स है, एजुकेशन लोन का टेंशन नहीं है। नहीं तो सारा वो एमबीए में भी 5 लाख की पैकेज मिल जाती है, लेकिन 5 साल तो वो क्या किस में लगता है, 25-30 लाख का वो एजुकेशन लोन लेते हैं, उसको रीपे करने में लग जाता है। तो एक चीज आप देख सकते हैं, और ये एसबीसी कंपनी लॉ, एसएलसीएम, रादर ईबीसीएल भी थोड़ा बहुत, ये 3 सब्जेक्ट आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी अच्छे से गाइड करेंगे, मेरा प्रॉमिस है। नाउ फर्स्ट टॉपिक एसबीसी में जो मैंने चुना है आपके लिए, द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव चोजन फॉर यू, इज कौन सा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव चोजन फॉर एसबीसी, एंड दिस लाइक दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल टॉपिक, लाइक कोई भी टीचर डायरेक्टली आईपीआर से शुरू नहीं करता, नो नन ऑफ द टीचर्स बिगिन विद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, बट मैंने चुने टॉपिक बिकॉज मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट डे से लाइक वी आर वेरी फोकस्ड। मैंने कोई ईजी टॉपिक नहीं उठाया, मैंने अच्छे टॉपिक्स उठाए जो इंटरेस्टिंग भी है। सो ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आईपीआर्स आर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर, किसने सुना है कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? हाँ जी, चलिए लेट्स थोड़ा सा और इसको अपन पलट देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इसकी शादी हुई थी अभी, विक्की कौशल की और कैटरीना कैफ कैफ की शादी हुई थी राइट, और आपको पता है इनकी शादी का एक वीडियो बना था। हाँ, और अमेजोन गधा साला उसने उसके राइट्स खरीदे थे कितने में, अराउंड 100 करोड़, यस विद जीएसटी। मोदी खुश होता है कि चलो ये बेवकूफी करते रहो तुम लोग, जीएसटी अपने को मिलता रहता है ना। सो अमेजोन ने उस शादी के फोटोग्राफी के राइट्स खरीदे थे, फोटोग्राफी और वीडियो जो भी है उसके राइट्स खरीदे थे कितने में, 400 करोड़ रुपीज। ठीक है, विराट कोहली ने अपनी डॉटर के फर्स्ट फोटोशूट के राइट, आई थिंक जॉनसन एंड जॉनसन को बेचे हैं, ऐसा न्यूज है, ऑफिशियली कहीं पे अनाउंस नहीं है बट एक है, एक मीडिया हाउसेज में ये न्यूज है, एंड दीज राइट्स वर सोल्ड फॉर अराउंड 75 करोड़ रुपीज। और जब विराट कोहली की बेटी की फोटो लीक हो गई तो जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन वाले हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए, बोले सर माफ कीजिए, अब हम आपको इतना पैसा नहीं देंगे, भाड़ में गया, जो एडवांस दिया वो भी हमारा वापस कीजिए। क्यों छुपाते हैं अपने बच्चों को, क्या लगता है पलक क्यों छुपा रहे थे वो अपने बच्चों को, अपनी बेटी की फोटो क्यों नहीं दिखा रहे थे? हमको लग रहा था, मतलब मुझे और मेरी बीवी को लग रहा था कि लाइक विराट कोहली की डॉटर और मेरी मेरी डॉटर, सेकंड डॉटर मेरी विरनिका, 3 दिन का ही डिफरेंस है ना, मतलब मेरी बेटी 3 दिन बड़ी है विराट कोहली की बेटी से, नाम भी सेम है, हमारी बेटी का नाम विरनिका है, उसका वामिका है, विरनिका इज मच बेटर ना इन टर्म्स ऑफ नेम ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ क्यूटनेस एज वेल, इन टर्म्स ऑफ फादर एज वेल। एनीवे ना समझ ना, तो बच्चा मैं ये कह रहा हूं क्यों उन्होंने, तो हम सोच रहे थे कि यार, और मैं और मेरी वाइफ जब बैठते हैं बात करने तो हमारे बीच में तो ये बात होती है, गॉसिप सी होती है, उसने नया फ्रिज खरीद लिया 500 लीटर वाला, अपने यहाँ छोटा ही है, उसके यहाँ टीवी बड़ी आ गई ना, सो मैं भी फुल पंचायत करता हूँ ना सब बच्चों ना ना, ना। तो उन्होंने क्यों फोटो नहीं खींचने दी अपनी बेटी की, बिकॉज
फर्स्ट फोटोशूट का राइट एज पर सम ऑफ द मीडिया हाउसेस दे सोल्ड टू जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि अगर वो छुपा के रखते 2 साल की एज में, उनका कुछ था कि जब वो 2 साल की होगी तो उसका वो रिलीज करेंगे, पूरा एल्बम का प्लान था। सोचो कितनी व्यूअरशिप होती, कितनी व्यूअरशिप होती, बिकॉज पूरा कंट्री साला अपने बच्चे को देखने के लिए नहीं तरस रहा, बट विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मिलकर ऐसा क्या पैदा किया है, उनकी केमिस्ट्री का रिजल्ट क्या है, वो देखने के लिए पूरा वर्ल्ड जो है व्याकुल था, दोनों ने पूरा फायदा उठा लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बच्चों एंड नाउ उसके बाद आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को एक बहुत शिकायत है हम सबसे, मुझसे, आपसे, फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस। अमिताभ बच्चन की आवाज की हम लोगों ने मां बहन कर डाली है। कैसे? आई टेल। कोई भी ऐड आता है, क्या आपके पेट में खराबी है, क्या आपको दस्त लग रहे हैं, पतला पतला निकल रहा है, वो। अब अमिताभ बच्चन को पता ही नहीं है, कोई भी उसकी आवाज, अमिताभ बच्चन की आवाज कोई भी निकाल ऐसे बोल रहे हैं, गला भारी करने का आवाज निकल जाती है अमिताभ बच्चन की। यस, सो व्हाट हैज हैपेंड इज, आपने देखा होगा, आई थिंक आप लोग बहुत छोटे हुए इस समय, जब केबीसी नया नया आया था ना, तो इट वॉज वेरी 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 पॉपुलर। 2002-2003 में आया था, आप लोग तो 2003-04 वाले हो गए ना, कब पे थे? 2003। अब पता नहीं, मैं ही बहुत बड़ा हो गया हूँ ऐसा लगता है ना। सो 2002-2003-2004-2005 में केबीसी यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर, यू नो, आप नाइट का शो, काफी अच्छा शो हुआ करता था उस समय, इट वॉज वेरी पॉपुलर। एंड देन अमिताभ बच्चन फिर से एक बार इंडियन हाउस होल्ड में आ गए, और फिर उनकी आवाज की ऐसी फज्जियत हुई, किसी भी कोई भी चीज, बम्बो साबुन, आंटी का चश्मा, कोई भी ब्रांड, कोई भी लोकल दुकान में, हर जगह अमिताभ बच्चन के है, क्या तूने कुछ कुछ खुजली दवाई ट्राई किया क्या, लॉक कर दो। सो अमिताभ बच्चन गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही टुक अ कॉपीराइट ऑफ हिज वॉइस। उसने क्या ले लिया, अपनी वॉइस के ऊपर क्या ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, कि भाई मेरी वॉइस कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर कोई कॉपी करेगा तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, केस करूंगा, मुझे पैसा रॉयल्टी देना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू यूज माई वॉइस। एंड यू नो कि आजकल कंप्यूटर से इतना रिफाइन वॉइस निकलता है कि अगर मैं भी ऐसे हाँ करूँ ना, तो आप जब सुनोगे वो पूरा, जब वॉइस रिफाइन होके आएगा तो वो पूरा अमिताभ बच्चन का ही लगेगा। अमिताभ बच्चन के ओरिजिनल आवाज से अच्छा आवाज निकाल सकते हैं आजकल तो आप लोग। सो हर एक स्टार ने, एवरी स्टार हैज टेकन व्हाट बेटा, कॉपीराइट। हर एक स्टार ने अपनी वॉइस के ऊपर क्या लेके रखा हुआ है, कॉपीराइट लेके रखा हुआ है अपनी वॉइस पे। जो सिंगर्स होते हैं उन्होंने अपने गानों पे, तो यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल वर्ड जो है वो किससे डेवलप हुआ है, इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है वो किससे डेवलप हुआ है, इंटेलेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्ट? नहीं पता, बुद्धि। हाँ, बुद्धि जो राहुल गांधी के पास नहीं है ना, वही। क्या लिख दिया मैंने, बुद्धि लिख दिया क्या, पता नहीं क्या, छोड़। बुद्धि, बुद्धि मतलब दिमाग से पैदा हुई एक चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, बुद्धि। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कहां से क्रिएट होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कहां से क्रिएट होती हैं, जो प्रॉपर्टीज ह्यूमन माइंड से क्रिएट होती हैं, किसे क्रिएट होती हैं, ह्यूमन माइंड से क्रिएट होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं बच्चों, व्हाट डू वी कॉल दोस प्रॉपर्टीज एज बच्चों, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, व्हाट प्रॉपर्टीज डू वी रिफर देम एज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। नाउ कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल? सो आप इसके अंदर 3 एग्जांपल लिख सकते हैं। सबसे पहला लिख सकते हैं आप
सबसे पहला एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, कॉपीराइट लिख सकते हैं, आप पेटेंट्स लिख सकते हैं, देन आप ट्रेडमार्क्स लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं डिजाइन्स। पहले डिजाइन वॉज आई थिंक पहले डिजाइन जो था ये पेटेंट के अंदर आता था, बट अभी डिजाइन को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया है, उसके लिए अलग लॉ बनाया है, ठीक है। उसके बाद डू यू नो व्हाट इज ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग पता है? मैं अभी कश्मीर गया था एंड कश्मीर में देर इज अ ट्यूलिप गार्डन, आपको पता होगा शायद, बहुत फेमस गार्डन है। आप में से कोई गया है कश्मीर? आप गए हो? पूरा कश्मीर घूमे? अपनी मम्मी से पूछना, जब कश्मीर से वापस आए थे तो पूरा नाक काला हो गया था क्या? मेरी नाक बहुत काली हो गई कश्मीर जाने में, पूरी कीचड़ी निकली, मैंने पूरे स्किन निकाला है अपना ऐसे 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 ऐसे। सो कश्मीर में देर इज अ ट्यूलिप गार्डन, और ट्यूलिप गार्डन में एक्चुअली ट्यूलिप गार्डन में व्हाट हैपेंस इज, वहां पे हमने एक रोज देखा, मतलब हम तो नहीं गए ट्यूलिप गार्डन क्योंकि वो बंद था, बट हमको किसी ने फोटो भेजा। सो वो रोज ऐसा था, उसकी पंखुड़ी जो है वो ब्लैक कलर की थी और उसके अंदर व्हाइट कलर के ऐसे डॉट्स बने हुए थे। हमारी फुटिच की कैसा रोज है ब्लैक के अंदर व्हाइट, हमको लगा प्लास्टिक का होगा। एंड देन हमने वो रिक्शे वाले से पूछा जो हमारा कार कैब का ड्राइवर था, उससे पूछा, देन ही टोल्ड कि सर ये ब्रीडिंग होता है, मतलब मुझे पहले से पता था बट ब्रीडिंग होती है प्लांट्स की, मतलब वो कुछ तो साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड बहुत सारे फ्लोरिकल्चर रिसर्च, पता नहीं दुनिया भर की रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके व्हाट डू दे डू इज वो अलग अलग प्लांट्स को मिक्स करते हैं, इसको काट के वहां लगा दिया, वहां का काट के वहां लगा दिया, दोनों को मिला के जमीन में गाड़ दिया, मतलब ये इतना ईजी नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, और रिसर्च करने के बाद वो ब्रीड करके कुछ तो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका क्रिएशन, जिनका क्रिएशन कहां से है बच्चों, दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये ऐसे ही नहीं आ जाती, कहां से आती हैं, फ्रॉम ह्यूमन माइंड। नाउ अब इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट क्यों करना है, व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉपीराइट। जहां पे भी एक इंसान क्या यूज करता है अपनी, वेर एवर, अरे बंद चालू हो रहा है बहुत ज्यादा, जहां पे भी एक इंसान क्या करता है, अपने स्किल्स को यूज करता है, किसको यूज करता है, स्किल्स को यूज करता है। स्किल्स का मतलब कला, एक इंसान जहां पे भी अपनी कला को यूज करके कुछ तो क्रिएट करता है, कुछ तो क्या करता है, मैं लिख रहा हूं क्रिएट करता है, मैं ये नहीं लिख रहा हूं बनाता है, बनाता है मतलब वो ऐसा लगेगा कि मटीरियलिस्टिक चीज है, ये इंटेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल मतलब है इंटेंजिबल नहीं, छोड़ दो, कुछ तो क्रिएट करता है। अब वो क्या क्रिएट करता है, व्हाट डज ही क्रिएट, पेंटिंग, म्यूजिक, सॉन्ग्स, लिरिक्स, किसी गाने के लिरिक्स, देन वॉइस, परफॉर्मेंस, ये जो थिएटर का काम होता है, ड्रामास वगैरह, उसके बाद व्हाट मोर, स्कल्पचर, मूर्तिकार, हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद इंडिया में सॉफ्टवेयर के ऊपर हमको कॉपीराइट मिलता है, बाकी कंट्रीज में सॉफ्टवेयर के ऊपर पेटेंट्स मिलते हैं, अपने कंट्री में हम कॉपीराइट देते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें, उसके बाद ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? पब्लिक को बताना, पब्लिश करना किसी चीज को. देन लिटरेचर, ये जितनी भी बुक्स आप नॉवेल्स बुक्स मेरे नोट्स वगैरह ये सब किसके अंदर आते हैं? लिटरेचर के अंदर. ये सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें क्या मैं बोल सकता हूं, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन स्किल से रिलेटेड है. स्किल से रिलेटेड है ना ये. नाउ तो मुझे बताइए, क्या इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुड वी प्रोटेक्ट देम और शुड वी नॉट प्रोटेक्ट देम? फॉर एग्जाम्पल मेरे जो नोट्स हैं, लाइक मैं अपने नोट्स को ऑन एन एवरेज JIGL की अगर बुक है, मैं 1000 रुपीज में सेल करता हूं. आई सेल इट फॉर 1000 रुपीज. यही मेरे नोट्स को आप अगर जेरोक्स करवा लें तो 135 रुपए में आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे. फॉर हाउ मच? 135 बक्स यू विल गेट माई बुक्स. यू विल गेट माई बुक, एनी ऑफ द बुक यू विल गेट फॉर 135. बट मैं आपसे कितना चार्ज कर रहा हूं? मैं 1000 चार्ज कर रहा हूं. क्यों चार्ज कर रहा हूं 1000? मेरा कॉस्ट आता होगा 400 रुपए का, बिकॉज मैं अच्छा पेपर पे प्रिंट करता हूं तो मेरा कॉस्ट 400 रुपए का आता है. 600 रुपए में आई एम टेकिंग मोर, मैं आपसे 600 रुपए ज्यादा ले रहा हूं. क्यों ले रहा हूं? मेरी उसमें कम से कम 8 साल की मेहनत है. लाइक बैच ऑन बैच, बैच ऑन बैच, बैच ऑन बैच आई हैव मेड सो मेनी चेंजेस. मैंने उसको बहुत आसान बनाया है कि अगर तुम सिर्फ वो बुक को भी अच्छे से पढ़ो, इफ यू आर इनटू सेल्फ स्टडी और आप वो बुक को भी अच्छे से पढ़ो, यू कुड एटलीस्ट स्कोर 60 इवन विदाउट अटेंडिंग द लेक्चर. कल से लेक्चर बंक मत मारना बे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट इन दैट बुक. सो अगर मान लीजिए उस बुक को कोई जेरोक्स करके बेचता है, if someone you know xeroxes that book and he sells, will it cause me a commercial loss? Number one. Number two, will I be encouraged? क्या मैं उत्साहित होऊंगा, क्या मैं प्रोत्साहित होऊंगा कि मैं बुक में और चेंजेस करूं? मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए उत्साहित नहीं रहूंगा. किस चीज के लिए? कि मैं बुक में चेंजेस करूं. क्यों नहीं रहूंगा उत्साहित? मतलब क्या है? आई एम टेकिंग हेल ऑफ एफर्ट्स, मैं पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा हूं और मजा मुझे मिल ही रहा है क्योंकि मैं चेंज करता हूं. एंड समवन यू नो देर आर मेनी फैकल्टीज इन सीएस. आप टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन मत करना, बट इफ यू सी टेलीग्राम के ग्रुप में यू विल फाइंड सो मेनी बुक्स. हर एक, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के सीएस के जितने भी टीचर्स हैं सबने अपनी बुक फ्री रखी हुई है एक्सेप्ट मी एंड स्पॉन्सर. और मुझे दुख होता है ये सोच के कि लोग अपनी बुक कैसे दे सकते हैं फ्री में. एंड इट्स नॉट कि दैट दे हैव टेकन सो मच ऑफ एफर्ट्स. जिसने एफर्ट लिए वो कभी भी फ्री में नहीं दे सकता. इट इज प्योरली कॉपीड फ्रॉम मॉड्यूल, कट कॉपी पेस्ट. आई कैन नॉट गिव बिकॉज आई नो द पेन दैट आई हैव गॉन थ्रू टू प्रिंट दैट, टू गेट दैट बुक. तो बच्चों कहीं ना कहीं जो ह्यूमन माइंड से चीजें क्रिएट होती हैं, जो चीजें कहां से क्रिएट हो रही हैं? ह्यूमन माइंड से क्रिएट हो रही है. अगर आप उनको प्रोटेक्ट करें, अगर आप उनको क्या करें, प्रोटेक्ट करें, तो क्या आपको नहीं लगता इकॉनमी और ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी? क्यों बच्चों? इकॉनमी चलती कैसे है? हाउ डज द इकॉनमी वर्क? आज इंडिया बहुत अच्छे स्टेज पे है, हाँ है ना? हमारा स्टॉक मार्केट यू ऑल नो इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. हर एक कंपनी के शेयर हिट हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? अब लेकिन प्रॉब्लम भी है, पेट्रोल के रेट भी बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग. क्यों? हाँ, क्यों? एक चीज बताओ मुझे, कोई एक नया आदमी टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदता है, इफ सम पर्सन इज बाइंग टोयोटा फॉर्च्यूनर फॉर 47 लाख रुपीज, टोयोटा को कितना रुपए मिल रहा है? टोयोटा इज गेटिंग 23 लैक्स. 18 लैक्स किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है. मैं भी गया था फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 25 लाख के बजट में.
तो मैडम ने बोला सर बाहर जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, बेइज्जती करके नहीं भगाना चाहती, बाहर जाओ। उसने बोला 47। मैंने बोला, उसने बोला सर आपका बजट कितना? मैंने बोला 25। तो बोलते इनोवा ले लो। मैंने नहीं सर मैम, लेके जाऊंगा फॉर्चुनर। मैडम बोलती अगले साल आना। मैंने क्या एक साल में रेट कम होने वाला है क्या? नहीं, बोले हम शोरूम चेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं व्हाट आई इंटेंड टू टेल यू, व्हाट आई इंटेंड टू टेल यू इज कि लोग खरीद रहे हैं। और आप देखिए फॉर्चुनर कितनी है। सो हर फॉर्चुनर के ऊपर गवर्नमेंट गेट्स 18 लाख रुपीज, अराउंड अराउंड 18 लाख रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, और ज्यादा ही मिलता होगा। और लोग खरीद रहे हैं ना पेट्रोल। एक तरफ तो रोते हम पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, बट क्या किसी ने अपना पेट्रोल का कंजम्पशन कम किया है? सब खरीद ही रहे ना पेट्रोल, एवरीवन इज बाइंग पेट्रोल। तो गवर्नमेंट तो रिच हो ही रही ना, इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट रिच हो रही है ना। अब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी। गवर्नमेंट क्या करती है उन पैसों का? गवर्नमेंट खर्च करती है, रोड बनाती है। रोड बनाती है तो वापस से क्या होता है, गवर्नमेंट वापस से इकोनॉमी में पैसे डाल देती है। वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर खर्चे करता है, वापस से इकोनॉमी में पैसे डाल। तो ये सिस्टम चलता रहता है और लोगों के बीच में पैसा जाता रहता है। लेकिन लेकिन टोयोटा ने अगर 2 साल के अंदर अगर टोयोटा ने फॉर्च्यूनर का नया मॉडल नहीं लाया, क्या होगा? लोग फॉर्च्यूनर से बोर हो जाएंगे, नई फॉर्च्यूनर नहीं बिकेगी। एप्पल ने iPhone 14 लॉन्च नहीं किया तो क्या होगा? यस, सैमसंग ने अगर एप्पल कितने का है फोन, एप्पल को 60,000 मिलता है, 60,000 तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है हर एक एप्पल के i13 Pro Max पे, 18% का तो जीएसटी मिल जाता है। फिर वो एक्साइज फैक्साइज पता नहीं कौन कौन सी ड्यूटीज लगा के ये लोग पैसे लेते हैं। समझ में आ रहा है? जितने नए प्रोडक्ट आएंगे, जितने नए प्रोडक्ट आएंगे, कैन आई से इनके, ये चश्मा लगाया हो ना बेटा, दिया ना, दिया ने चश्मा लगाया, मैंने भी चश्मा लगाया, उन्होंने भी चश्मा लगाया। अभी अपने को नया चश्मा लेना है क्या? नहीं लेना है, मुझे भी नहीं लेना। ठीक है, कल की तारीख में दीपिका पादुकोण, आपने भी चश्मा लगाया, दीपिका पादुकोण विल कम और वो कोई चश्मा दिखाएगी, बोले ये नया चश्मा है, ये गंदा नहीं होता और बहुत बहुत स्टाइलिश है। क्या होगा? और अपने लिए मान लो विराट कोहली आ जाता है, ही गेट सम न्यू फ्रेम, व्हाट विल हैपन? दिल है छोटा सा, मन में मन करेगा कि यार वो चश्मा मेरे पास होना चाहिए, ये सुनो। एंड व्हाट वी वुड डू, विल बाय, रुक के बाय करेंगे, थोड़ा सा मम्मी पापा से जिद करेंगे। मैं किससे जिद करूंगा, मुझे तो खुद ही खरीदना है। मैं अपनी बीवी को मनाऊंगा, मुझे अपनी बीवी को कन्विंस करना होता है कुछ खरीदने के लिए, बट विल बाय। ये शर्ट मेरी अच्छी है, मेरा काम चल रहा है, बहुत प्यारी शर्ट है। फिर अचानक से वो अमेजोन वाला सजेस्ट करता है कि 10% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। अपन भिखारियों की तरह पहुंच जाते लाइन लगाने के लिए। तो जितने नए प्रोडक्ट बिकेंगे, जितने नए प्रोडक्ट आएंगे, कैन आई से इकॉनमी, हम लोग पैसे खर्च करते जाएंगे। और जब पैसे खर्च करोगे तो कमाओगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इनोवेशन, क्या आपको एक चीज समझ में आ रही? जितना इनोवेशन होगा, जितने नए प्रोडक्ट आएंगे, कैन आई से इकॉनमी उतना ग्रो करेगी। Why America is number one country in the world? क्यों है? एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। सबसे ज्यादा कॉपी राइट, सबसे ज्यादा पेटेंट, सबसे ज्यादा डिजाइन पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे रजिस्टर होते हैं तो वो कहां पे रजिस्टर होते हैं? अमेरिका में रजिस्टर होते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर नंबर वन, क्योंकि उनको खर्च करने के कितनी सारी चीजें। गांव कभी आगे नहीं बढ़ते, बहुत कम आगे बढ़ते हैं। क्यों आगे नहीं बढ़ते गांव? दे आर वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव। उनके लिए चार कार मतलब चार पहिया, और सबसे बेस्ट कार है बोलेरो। बोलेरो आ गया, कहानी खत्म, पूरा गांव बैठ के शादी में चला गया, मां की आंख बस, और कुछ नहीं चाहिए। रहने के लिए अच्छा सा घर तो होता ही है, गांव में जगह की कोई कमी नहीं है। घर के सामने बोलेरो लगा दिया, बस उनकी लाइफ में और कोई इच्छा नहीं। और पुणे क्यों इतना आगे है? क्योंकि गधे हम हैं,
गधापन है ना, अपन की इच्छाओं के ऊपर अपनी कंट्रोल, अपना कंट्रोल है ही नहीं। आपने अपने पापा से सुना होगा, नहीं शायद आपके पापा लोग बहुत समझदार होंगे, मैं जिस दिन शोरूम से नई कार निकालता हूं मैं उसी दिन टारगेट लेता हूं कि बस 2 साल के बाद ये वाली कार लूंगा। हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं और इसका फायदा गवर्नमेंट को मिला। और ये कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज अपने को वही चीज क्रिएट कर रही हैं। iPhone 13 आता है, ये S22 Ultra है, ये मैंने लिया, जरूरत नहीं थी बट ले लिया। अगले साल S23 Ultra आ जाएगा, ये फोन मैंने लिख लिया है 1 लाख में, मान लो मैं क्या करूंगा, इसको 50,000 में बेच दूंगा, फिर से मैं नया फोन लूंगा अगेन। सो इनोवेशन हो रहा है, राइट? इनोवेशन के कारण हम फेक डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं, राइट? फेक डिमांड्स, और मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, फेक डिमांड्स कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुमको दुनिया भर का ज्ञान दे रहा हूं, S23 Ultra आएगा सबसे पहले मैं ही लाके दिखाऊंगा तुमको, iPhone 14 Pro Max आएगा सबसे पहले मैं ही लाके दिखाऊंगा तुमको, भले भाड़े का लेके आऊं, उधार का लेके आऊं, इंस्टॉलमेंट पे लेके आऊं, बट दिखाऊंगा सबसे पहले मैं। समझ में आ रहे? मैं बोल रहा हूं, बट मैं भी इस विशेष सर्कल में क्या है, फंसा हूं रेट रेस से। तो डू यू थिंक सैमसंग, एप्पल, ये दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, हर साल ये अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं? एप्पल वॉच आया, सीरीज 2 आया, सीरीज 3 आया, सीरीज अभी 4 चल रहा है ना, 7 चल रहा है, हम सब 7 चल रहा है। क्या है 7? अभी बॉटल निकाल दिया एप्पल ने, 22,000 की बॉटल, जो आपको हर आधे घंटे के बाद बताएगी, बेटा पानी पी ले, आजा मेरे बच्चे, आजा आजा। तो ये, और इंडिया में इतने हरामी लोग हैं, वो एप्पल बॉटल जिस दिन इंडिया में लॉन्च होगी वो 3 महीने का वेटिंग रहेगा उसके लिए। पड़ा हुआ लोगों के पास पैसा, और वो छोड़ो जिसकी सैलरी 20,000 रुपए की है, वो सबसे पहले बॉटल लेके आएगा। इसलिए गरीब हमेशा गरीब रहते हैं ना, सिर्फ शो ऑफ में जी रहे हम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? लेकिन जो भी हो, आप चीजें खरीद रहे हैं, इकॉनमी आगे जा रही है, यू आर बाइंग थिंग्स, दैट्स वाई इकॉनमी इज गोइंग अहेड। एंड मोदी यही चाहते हैं कि आप चीजें, तुम लोन लेके खरीदोगे बैंक्स आगे बढ़ जाएंगे, तुम लोन रीपे नहीं करोगे रिकवरी एजेंट्स आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस तो बनेगा भाई, बिजनेस तो बनेगा ही। इसलिए वो देश अमेरिका कितना आगे है, क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी सारी चीजें। अमेरिका में आपको कार खरीदनी है, अमेरिका में 40 कंपनीज हैं कार की, कितनी 40 और ज्यादा ही होंगी, मैं तो 40 बोल रहा हूं। कहीं पे आदमी की इच्छाएं खत्म होती नहीं ना। अब जैसे मुझे लगता है कि मेरे पास एक, अगर मैं सोचूं कि मेरे को कार क्या चाहिए, मेरे को एक लैंड रोवर डिफेंडर चाहिए, एक महिंद्रा थार चाहिए, देन एक और मुझे बहुत पसंद आती है, एक निसान की मैग्नाइट छोटी सी कार, ये 3 कार मुझे चाहिए, मेरे को लगता है मेरे कार का गैरेज खत्म हो जाएगा। अमेरिका में 40 कंपनीज है, सोचो आदमी के पास कितनी चॉइसेस है, पैसा कमाने के लिए कितना मोटिवेशन है। सो नंबर 1, कंपनीज इनोवेशन कब करेंगी? वेन वुड कंपनीज इनोवेट? वेन दे आर श्योर कि वो जो भी करें वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और जितना वो नया बनाएंगी उतनी हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब मानते हो ना, मुझे एक चीज बताओ, Apple 13 Pro Max जो आया, या 13 Pro आया, whatever 13 आया, वो खरीदने वाले नए कस्टमर कितने होंगे? जस्ट टेल मी। हाँ बेटा, वो खरीदने वाले नए कस्टमर कितने होंगे? अगर मान लो 50 लाख एप्पल आईफोन बिका है, 13 बिका है, 13 सीरीज बिकी है, तो 50 लाख में कितने नए होंगे जिन्होंने लाइफ में पहली बार आईफोन खरीदा है? 10%? 90% कौन है? वही गधे हैं जो या तो 11 यूज कर रहे थे या फिर 12 यूज कर रहे थे, वही है ना। तुम्हारे फ्रेंड्स में बैठे हो, अगर किसी ने 13 लिया तो वो वही है जिसके पास पहले क्या था, 12 या 11 था, और उसका काम अच्छा चल रहा था। उसका काम क्या है? अच्छा चल रहा था। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। ये पूरा जो तुम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वहां पे तुम 60 लाख रुपए की फीस भरोगे,
ये चीज जो मैं तुमको बता रहा हूं, ये चीज तुमको पूरे 2 साल सिखाई जाएगी। वहां पे एक एक प्रोडक्ट तुमको दिया जाएगा रिसर्च करने के लिए। दिल टेल यू कि जाओ इस फोन पे रिसर्च करो, इस फोन पूरा डेटा तुम बताओगे। ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ 90 लाख, ये मैंने किसी आई थिंक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की थीसिस में पढ़ा था, ये जो मैं आपको ने मैंने एग्जाम्पल दिया। इन चीजों से एक चीज साबित होती है, मोर देर इज इनोवेशन मोर देर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ या ना? और गवर्नमेंट हर जगह अपनी पार्टनर है, तुम पेट्रोल भरा रहे हो उसमें भी गवर्नमेंट पार्टनर है। 100 रुपए के पेट्रोल में 60 रुपए किसको मिल रहे हैं? 100 रुपए के पेट्रोल में 60 रुपए गवर्नमेंट को मिल रहे हैं बच्चों। हाँ या ना? सबसे पहली कैटेगरी, हनी सिंह का, हनी सिंह लाइव परफॉर्म करता है, ये क्या लिखा इसका? कोई आप मूर्ति बनाते हो, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में कोई नया आइटम आता है, इसको मैं चेंज करवा देता हूं यार। देन कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है, ब्रॉडकास्ट, जोमेटो वोमेटो, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? फिर कोई चेतन भगत नई बुक लिखता है, ये सब क्या है? कॉपीराइट। सब क्या है बच्चों? आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट इस बार किसने खरीदे? स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदे, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट भी कॉपीराइट है। आईपीएल को स्टार स्पोर्ट्स के अलावा कोई दूसरा दिखा सकता है क्या? वो स्टार स्पोर्ट्स एंड डिज्नी हॉटस्टार आर वन एंड द सेम, उनके अलावा कोई दूसरा दिखा सकता है? कितना खर्च किया उनने? हाउ मच हैव दे स्पेंट फॉर बाइंग द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स? मेरे ख्याल से 1000 करोड़ के आसपास है, 1000 करोड़ या ज्यादा ही होगा, मैं कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ से ज्यादा स्टार स्पोर्ट्स ने क्या किया? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे आईपीएल के। ये किसका कॉपीराइट बन गया? एक मिनट, आईपीएल जो खिला रहा है कौन खिला रहा है? आईपीएल बीसीसीआई। तो ये आईपीएल का पूरा कॉपीराइट किसके पास था? पेपर हो गया कहीं? है कैसा गया पेपर? अच्छा गया। आज इनका जेल जेल का पेपर था, मैंने बताया ना सुबह सुबह 2 मिनट में आया, तो बैठना तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैं बोल रहा था आईपीएल हो गया। आईपीएल होने के बाद, आईपीएल होने के बाद ये जो आईपीएल करवा रहा है ये पूरा उनका ही राइट था ना, क्योंकि वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने का राइट वो क्या करते हैं? हर साल दिस सेल, और हर साल स्टार स्पोर्ट्स ही हाईएस्ट बिड लगाता है, उसको मिल जाता है। सुना ही भी था क्या? हाँ क्या? ओके। ये सब कुछ क्या है बच्चों? कॉपीराइट। मूवी, मूवी की स्क्रिप्ट, कॉपीराइट। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स। क्या है बच्चों? जो सेकंड कैटेगरी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दैट रेफर्ड एज? पेटेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली पेटेंट इज? पेटेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। यस, ये वर्ड शायद आपको पता हो, इन्वेंशन। इन्वेंशन किसका होता है? किसी नए प्रोडक्ट का, या फिर किसी नई प्रोसेस का। कोका कोला, कोका कोला क्या है? इन्वेंशन है ना, लेकिन क्या है? प्रोडक्ट का इन्वेंशन है या प्रोसेस का इन्वेंशन है? कोका कोला नहीं, फिर कोका कोला और पेप्सी तो सेम ही है ना। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ऑल द कोला, बिग कोला, फिर वो हमारे ना कहीं भी सिटी में एक जगह सोडा मिलता है 35 रुपए का, ये सब कुछ सेम ही है। सो कोका कोला इज व्हाट? प्रोडक्ट और प्रोसेस? प्रोसेस। मैगी प्रोडक्ट और प्रोसेस? रामदेव ने ही बनाया था ना आटा नूडल्स, किसने खाया आटा नूडल्स? कैसे? बट मैगी वो उसने ही बनाया, यूपी आईटीसी ने बनाया ना यूपी, वो कैसे है? बट मैगी मैगी है शायद, मैगी का आई थिंक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एनीवे, सो मैगी है। तो ये सब प्रोसेस, जहां पे टोमेटो केचप, क्या प्रोडक्ट है? प्रोसेस। प्रोसेस, तो जहां पे प्रोसेस का पेटेंट होता है
वहां पे सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एसी, मेरे ख्याल से आजकल प्रोडक्ट तो सभी बना लेते हैं, तो आजकल किसका पेटेंट होता है? प्रोसेस का पेटेंट होता है। हाँ, प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा? कार आ जाएगा, मोबाइल फोन्स आ जाएंगे, देन आईपैड, मतलब तो आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे कहां पे है और प्रोसेस पे कहां पे। खाने पीने की जो वस्तुएं होती है वहां पे नॉर्मली क्या होता है? प्रोसेस। और जो नॉर्मल चीजें होते हैं वहां पे क्या होता होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, दवाइयां प्रोडक्ट के प्रोसेस, दवाइयां बेसिकली फॉर्मूले पे बेस्ड होती है ना, दवाइयां बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर होता है। दवाइयों में क्या क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक कंपनी की दवाई क्या होती है? अलग होती है। और दवाइयों के इसमें क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब आप देखोगे कि पैरासिटामोल हर एक कंपनी बनाती है, वो क्या होता है कि दवाइयों के इसमें पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। कितने साल तक वैलिड रहता है? जैसे मैंने आज मान लीजिए कोई दवाई बना दी, आई इन्वेंटेड अ मेडिसिन, दवाई ऐसी थी सुमन कुमार जो बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, दवाई ऐसी थी कि 90 साल के व्यक्ति को भी अगर वो दवाई खिला दी तो उसको ऐसा मन करेगा कि 6-6 गर्लफ्रेंड हो मेरी, बुढ़ापे में भी एकदम जवानी का जोश भर दे, ऐसी दवाई बनाई मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत लंबी रिसर्च करके, 7 साल तक। हाँ, नाउ प्लीज हियर, अब ये दवाई समाज के भले के लिए, इस दवाई में पेटेंट में सिर्फ कितने साल तक एंजॉय कर सकता हूं? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद हर एक चीज, हर एक दवाई का फॉर्मूला आपको क्या करना होता है? पब्लिक को देना होता है फ्री में, वो बन जाता है जनरल। क्या बन जाता है? इसलिए आपने सुना होगा जेनेरिक दवाइयां, सुना है किसी ने? जेनेरिक दवाइयां सस्ती आती हैं। सस्ती क्यों आती हैं? ये सारे जेनेरिक वाले चोर लोग हैं। चोर लोग मतलब क्या, इन्होंने दवाइयों को रिसर्च किया है? नहीं, जो दवाइयां ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करके बता दी थी उनको 20 साल हो गए, उनका पेटेंट क्या हो गया? खत्म हो गया 20 साल में। उसके बाद कोई भी उस दवाई को क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। इज दैट क्लियर? सो पेटेंट यू गेट फॉर इन्वेंशन। जैसे ये एसी, इस एसी के अंदर कोई ना कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होगी, इसके पेटेंट। देन आपकी घड़ी, वट एवर वॉच यू आर वेयरिंग, हाउ द वॉच फंक्शंस, वॉच के अंदर की जो मशीन्स होती हैं उसके ऊपर क्या होता है पेटेंट? यू मस्ट बी नोइंग कि वॉल्वो ने सीट बेल्ट का इन्वेंशन वॉल्वो ने किया था, पता है ना? सीट बेल्ट जो अपन कार में लगाते हैं, दैट वॉज इन्वेंटेड बाय वॉल्वो, फिर उनका पेटेंट था, उन्होंने वो पेटेंट फ्री कर दिया ताकि हर एक कार क्या करे? सीट बेल्ट लगाए। तो पेटेंट, तो आप कुछ भी नया इन्वेंट करते हो, कुछ भी नया। अभी मेरी शिवान के पापा से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कुछ तो पेटेंट का काम चल रहा है पापा का भी। हिज फादर इज इनटू सम मैन्युफैक्चरिंग, सो ही इन्वेंटेड सम न्यू मशीन जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट ज्यादा मिलेगी। मतलब कुछ तो आई डोंट अंडरस्टैंड, बट देयर इज समथिंग जिसके पर वो पेटेंट ले रहे हैं, इन्वेंशन ले रहे हैं। तो पेटेंट्स भी बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अच्छा, टोयोटा फॉर्चुनर का जो डिजाइन है, मान लो वट एवर डिजाइन यार बन ही रहे, मान लो टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो डिजाइन है, अभी डिजाइन पूरी फॉर्च्यूनर कार के ऊपर क्या मिलता है? पेटेंट, कॉपीराइट, अच्छा ट्रेडमार्क भी है आपके बिजनेस मार्क, नाइकी ट्रेडमार्क होता है, सबके अपने अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं। टाटा का ट्रेडमार्क है, एप्पल का ट्रेडमार्क है। सो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार के ऊपर क्या मिलेगा, पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट? सबसे पहले तो डिजाइन, उसके बंपर का डिजाइन, उसके हेडलाइट का डिजाइन, इसको हम बोलते हैं डिजाइन। और डिजाइन के लिए अलग कानून है जिससे हम डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई उस डिजाइन को क्या ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए। तो देयर इज सबसे पहले डिजाइन होती है, उसके बाद जो गाड़ी के अंदर के इंजन वगैरह होते हैं उसके ऊपर अपन क्या लेंगे, पेटेंट। फिर वो नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसके ऊपर अपन क्या लेंगे, ट्रेडमार्क। तो
एक कार में क्या होता है, सब कुछ होता है, डिजाइन का भी यूज होता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, आप सब चीजों को क्या करते हैं, यू गेट रजिस्टर्ड ऑल द थिंग्स, ताकि कोई दूसरी, तो अगर टाटा ने फॉर्च्यूनर के जैसे दिखने वाली, फॉर्च्यूनर के आसपास जैसे दिखने वाली भी क्या बनाई, कार बनाई, तो भी क्या होगा। अच्छा आपको पता है जीप, वो जीप की कौन सी कार है, जो रैंगलर, आपको पता है जीप रैंगलर, आई शो यू, आई हैव नेट, नेट आ गया है, अरे नेट आ गया है, नहीं मेरे आईपैड पे नेट चल रहे हैं, यहाँ नेट नहीं चल रहे। जीप रैंगलर अगर आप फोन पे देख सकते हैं, जीप रैंगलर और महिंद्रा थार देखा, दोनों का सामने का ग्रिल वगैरह डिजाइन, लड़की लड़कियों को तो पता नहीं होगा, इनको पता होगा, सबको पता है क्या, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही है लड़कियों का, ये सब कारवार में हम ही लोग शहीद है फालतू में। सो देर आर टू कार्स, जीप रैंगलर एंड महिंद्रा थार, दोनों का डिजाइन हूबहू सेम है, 90% सेम है, आपको परेशानी हो जाएगी समझने में। तो जब ये महिंद्रा थार इंडिया में लॉन्च हुआ, तो जीप वाले ने क्या किया, केस किया कि हमारा डिजाइन किसने कॉपी कर लिया, महिंद्रा थार ने, हमारा डिजाइन किसने कॉपी कर लिया, महिंद्रा थार ने हमारा क्या कर लिया, डिजाइन कॉपी कर लिया। लेकिन जीप, आपको पता है गवर्नमेंट ने क्या बोला, जीप रेंगलर वॉज प्राइस्ड फॉर कितना, जीप रेंगलर 75 लाख की थी, थार 15 लाख की है, तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, डिजाइन हो सकता है क्या हो, सेम हो, लेकिन जिसको 75 लाख की कार खरीदनी है, क्या वो कभी भी 15 लाख की कार खरीदेगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम्हारा कस्टमर ग्रुप ही क्या है, अलग है। तो देखो डिजाइन को हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, व्हाई डू वी प्रोटेक्ट डिजाइन्स, ताकि उस डिजाइन की कॉपी ना हो, उस डिजाइन की क्या ना हो, कॉपी ना हो। लेकिन महिंद्रा थार और जीप रैंगलर, इन दोनों का डिजाइन लगभग सेम है, लगभग एक जैसे है, फिर भी गवर्नमेंट ने महिंद्रा थार का ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, एक कार 75 लाख की है जीप रैंगलर एंड दिस इज फॉर 15 लाख, सो क्या किसी को कंफ्यूजन होगा, पहले घर से निकली 75 लाख रुपए लेके रैंगलर खरीदने के लिए, हाँ, मैं तो थार ले आई 15 लाख की, क्या कभी ऐसा होगा, इट वुड नेवर हैपन। या फिर तुम 15 लाख रुपए लेके महिंद्रा थार लेके निकलने, खरीदने निकले, निकले जीप रैंगलर लेके 75 लाख की, आप घर बेचना पड़ेगा, ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हम अपने नए नए सब्जेक्ट में शुरू करेंगे। चलिए नाउ, जिस समय हम गुलाम थे अंग्रेजों के, जिस समय हमको कुछ भी नहीं समझता था, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, उस समय यूरोप में क्रांति चल रही थी, रेवोल्यूशन चल रहा था, कि हम क्या करेंगे, हम, क्योंकि आप सबको पता है रोम वगैरह में या इटली यूरोप में हथियार चलते थे काफी ज्यादा, तो लोग अपने हथियारों के डिजाइन्स को, इन सब चीजों क्या करा रहे थे, पेटेंट करा रहे थे। मतलब जब हम लोग गुलाम थे तो वहां का लीगल सिस्टम इतना फॉरवर्ड हो गया था कि दे वर हैविंग लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग व्हाट, कॉपीराइट। उस समय आपको पता होगा ब्रिटेन में या यूरोप में बड़े बड़े ऑथर्स थे और उन्होंने बहुत सारे बुक्स और बहुत सारा लिटरेचर लिखा बच्चों, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे लॉ बन रहे थे। मतलब सब हमको ये सब बाद में पता चला, वी केम इट वेरी लेट, वी केम टू नो इट, नो अबाउट ऑल दीज लॉज वेरी लेट। वो लोग मेरे ख्याल से सन 1500, इन द ईयर 1500 दे स्टार्टेड टू हैव दीज काइंड ऑफ लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसीलिए वो हमसे बहुत आगे पहुंच गए। हालांकि आगे हम थे बट अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, एक थियरी ये भी है, बट अगेन उनका लीगल सिस्टम क्या था बच्चों, बहुत स्ट्रांग था। और मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव कीजिए, मेरा यकीन मानिए, आने वाले 10 साल के अंदर
इंडिया वुड बी वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज, क्योंकि जो हमारे देश में सिस्टम सेट होना था वो हो चुका है। देखो ना, मीडिया को छोड़ के पेट्रोल के प्राइसेस को लेके कौन सीरियस है, बताओ मुझे, कौन सीरियस है मीडिया को लेके? मीडिया को छोड़ दो, मीडिया के पास भी कोई न्यूज होती है तो पेट्रोल के प्राइस की बात ही नहीं करते। अभी वो जब से सिद्धू मूसे वाला मरा है तब से तुमने सुना है पेट्रोल के प्राइसेस को लेके बात हो रही है? नहीं हो रही, बिकॉज दे गॉट अ न्यूज। अभी 3-4 दिन तक उसको पूरा 13वीं बना के आएंगे उसका, उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हाल है अभी, अभी गर्लफ्रेंड चालू नहीं किया ना, उसकी शादी होने वाली थी ना कुछ जून वून को, तभी उसका। अच्छा आप लोग न्यूज देखते नहीं है, बहुत समझदार है। हाँ मैं थोड़ा बहुत, मुझे इंटरेस्ट है, 1 घंटे में देखता हूँ न्यूज। तो अभी उसका सिर्फ अभी उसी के बारे में बात करें, अभी उसकी गर्लफ्रेंड को बताएंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी सिद्धू मूसे वालों को भूलने के लिए कौन सी रेसिपी की कौन सी डिश बना रही है, दिल टिल। फिर उसके दोस्त वोस्त आएंगे रोते हुए, फिर उसके गांव का कोई गुरु आ जाएगा, फिर वो जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे कि सिद्धू मूसे वाला यहीं पे गुल्ली डंडा खेलता था। तभी दे आर वेरी बिजी। तो इंडिया इज गेटिंग रिच बिकॉज भले ही हमारे देश में पेट्रोल 120 रुपए लीटर का है बट सब लोग डरा रहे हैं। और कई लोगों को, स्टूडेंट लोगों को तो पता ही नहीं चलता ना पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, क्यों? वो 30 का डलवाते हैं। कितने का डलवाते हैं? 30 का ही। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कितने का पेट्रोल 30 का। अब पेट्रोल भले जब मैं स्टूडेंट था तब तक आई थिंक 40 रुपए लीटर था पेट्रोल, तो अपन कितने का डलवाते थे? 30 का। जब 25 रुपए लीटर था तो भी 30 का, जब 30 रुपए लीटर था तो भी 30 का, जब 60 रुपए लीटर हुआ, जैसे आप लोग शायद 50 का कुछ तो एक फिगर होगा, 80 का डलवाते हैं, तो अपने को पेट्रोल का रेट पता ही चल रहा। बट इंडिया इज गेटिंग रिच, इंडिया इज डेवलपिंग और हम बहुत तेजी से डेवलप करें, थैंक्स टू ऑल द इनोवेशन, थैंक्स टू द स्टार्टअप्स, दे आर कमिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट इज वेरी कीन। गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा कीन है। आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया है पिछले 3 महीनों के अंदर, या पिछले 6-1 साल के अंदर किया है ट्रेवल? कई बार किया होगा। आप में से किसी ने भी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया? आपने किया? अब देखिए ट्रेन कितनी चेंज हो रही हैं, वो भी छोड़ दो, AC 3 टायर में ट्रेवल किया है? AC 3 टायर, अब वो AC 3 टायर जो है वो स्लीपर बन चुका है, ये समझ में आया? मैं अभी आ रहा था, मैं विदाउट टिकट आया हूं, कहां से? मध्य प्रदेश के सतना से लेके पुणे तक मैं विदाउट टिकट आया हूं, टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। सेकेंड AC का टिकट लिया था, कंफर्म ही नहीं हुआ। फ्लाइट का देखा तो 9000 रुपए का था, मैंने यार माफ करो भगवान का नाम लिया, विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ गया। टीटी लोग को पैसे खिलाता रहा, कोई भी टीटी आता 500 रुपए देता था, रखो सर रखो सर रखो सर। तो थर्ड AC में पूरा बैठ के आया एंड ट्रेन वॉज सो क्राउडेड, बिलीव कीजिए मेरा पूरा जो अपने देश में जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास के जो लोग हैं जो पहले स्लीपर में ट्रेवल करते थे, वो सब कहां पे बैठने लगे अभी? थर्ड AC। देखिए हम लोग भी थर्ड AC में ट्रेवल करते हैं, बट आप समझिए हमारी इनकम बढ़ी है लेकिन हम थर्ड AC में बैठेंगे, बट लेबर के क्लास के लोग भी कहां पे बैठ रहे हैं अभी? थर्ड AC। जो थर्ड AC में बैठता था वो कहां बैठने लगा? सेकेंड AC। सेकेंड AC वाला कहां चला गया? फर्स्ट AC वाला प्लेन में घूम रहा है, मस्त प्लेन के ऊपर बैठ के घूम रहा है, समझ रहे? दिस इज डेवलपमेंट। जहां पे पहले ट्रेन में एक ही डब्बा होता था AC का, थर्ड AC का एक डब्बा, सेकेंड AC का एक डब्बा, आज थर्ड AC के 6-6 डब्बे लग लेंगे। सो वी आर डेवलपिंग और उसके पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है, स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। एंड सो दिस सब्जेक्ट SBEC हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, एक बार देखते हैं क्या है। अच्छा एक और चीज, आर वी ऑल कन्विंस्ड दैट यू मस्ट प्रोटेक्ट दीज राइट्स? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो कोई तो लीडर था, देयर वाज सम एक्टर जिसने BJP को बहुत गाली दी अभी, और एंड ही केम विथ अ वेरी बिग मूवी, तो BJP IT सेल ने उसकी मूवी को रिलीज के पहले ही लीक कर दिया और वो मूवी इतनी मिजरेबली फ्लॉप हुई जिसका कोई लिमिट नहीं। आई थिंक आमिर खान का मूवी था वो, जिसमें वो बना था, वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप का मूवी था आमिर खान का,
नहीं, आमिर खान वो इंडियन वर्जन था, कौन सा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने वो मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए उसने क्या बोल दिया था कि आई डोंट फील सेफ इन इंडिया, और मुझे, मैं और मेरी वाइफ सोच रहे हैं कि हम इंडिया छोड़ के चले, ऐसा बोला। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मूवी जिस दिन रिलीज होनी थी उसके 2 दिन पहले, ऐसा बोलते हैं मुझे नहीं पता, सेंसर बोर्ड के पास तो मूवी आती ना अप्रूव करने के लिए, सेंसर बोर्ड ने बीजेपी आईटी सेल को दी और आईटी सेल ने उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। टॉरेंट वॉरेंट सबके पास फ्री में मूवी की, और आपको तो पता है इंडिया में एक जगह बस मूवी पहुंचानी है, और मूवी इतनी मिजरेबली फ्लॉप हुई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो फरहान अख्तर की वो रॉक ऑन 2, वो भी वैसी गई काम से। सो क्यों बच्चों, क्या आपको नहीं लगता ये मूवी लीक हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, कॉपीराइट टूटा ना, कॉपीराइट ब्रीच हुआ। क्या हुआ, कॉपीराइट इन्फ्रिंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगर आपने मेरा कॉपीराइट चोरी किया तो मैं क्या बोलूंगा, इन्फ्रिंज किया, नॉट से ही स्टोल माई कॉपीराइट, नहीं, इट्स ही इन्फ्रिंज्ड माई कॉपीराइट, क्या बोलेंगे अपन, इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ, तो कोई अगर आपके कॉपीराइट को आपकी परमिशन के बिना यूज करता है तो हम क्या मानते हैं, उसने आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्या किया है, इन्फ्रिंज किया, उसको सजा मिलेगी 3 साल तक की जेल हो सकती है। बट ये सारे लॉस को गवर्नमेंट उतना सीरियस लेती, एक बार मुझे अच्छे से याद है, एक बार क्या हुआ, जब मैं टीचिंग में नया नया आया था, एकदम नया, मतलब आज समझो मेरा पहला लेक्चर लाइफ का। अब उस समय नोट्स नहीं होते थे, सब मॉड्यूल से पढ़ाते थे, और मैं स्ट्रगलर था, मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था मुझे पढ़ाना। मैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट 2 ही टाइप के होते हैं, एक रिटर्न और एक ओरल। ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, नहीं, गलत है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न ओरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि सिर्फ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड होते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो मतलब मैं इतना घटिया था पढ़ाने के टर्म्स में, भगवान का करम है कि उस समय यूट्यूब नहीं था। अरे बाप रे, हाँ उस समय बच्चे 6-7 बच्चे हुआ करते थे क्लास में, पढ़ाना तो अपने को आता नहीं था, तो अपन 6-7 बच्चे कोई बढ़िया चाय पिलाने ले जाते थे क्लास के बाद, संडे को उनको खाना खाने ले लेके जाते थे, सबके घर वर घूमते रहते थे, अपने फ्लैट पे बुला के सबको खाना खिलाते थे। क्यों, पढ़ाते तो घटिया है, तो कम से कम चलो बात 6 लोगों के बीच में रहे तो अच्छा है, उनसे दोस्ती यारी कर लिया, और दोस्ती यारी करने के बाद बढ़िया कार्यक्रम चलता रहा, और तब तक मैं पढ़ाना धीरे धीरे 2-3 बैच के बाद, यस मेहनत किया, मैंने बोला मेहनत किया, मतलब घटिया पढ़ाना खराब नहीं है, बिना मेहनत के घटिया पढ़ाना खराब है। सो आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, रात रात भर पढ़ाई की, एंड देन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आने लगा, एंड देन बैच ऑन बैच मैंने इंप्रूव किया, सीधा से किया। सो मैंने उस समय एक फैकल्टी के नोट्स कॉपी कर लिए, एक फैकल्टी के नोट्स मैंने कॉपी कर लिए, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। सो फर्स्ट बैच में मार्केट में एक ही आदमी के नोट्स आते थे, मैंने एज इट इज कॉपी किए, कॉपी किए मतलब एक बंदे को बिठाया, उसको मैंने 100 रुपये 200 रुपये दिन का दिया, और पूरे टाइप करवा लिए नोट्स, और नोट्स के बीच में बढ़िया दुष्यंत जैन लिखवा दिया। अब उस समय आईटी उतना था नहीं ना, तो उस फैकल्टी को भी कितने साल के बाद समझ में आया, 2 साल के बाद, 2 साल तक तो मैं उसके नोट्स ही पढ़ा रहा था। ठीक है, उसका मुझे फोन आया कि बॉस तू मेरे नोट्स कॉपी कर रहा है, ये वो, डू यू नो, एंड ही वॉज अ वेरी सीनियर फैकल्टी, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी रिच, और अपन तो नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, सिस्टम था, चल रहा था कार्यक्रम भगवान की मेहरबानी से। डू यू नो यू आर अ लॉ टीचर, डू यू नो इट्स एन ऑफेंस, मैंने ना, यस यस, अपने को पता ही नहीं था कौन सा लॉ ना। सो ही टोल्ड मी इट्स एन ऑफेंस अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, एंड यू कैन बी पनिश अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। मैंने बोला यार देखना पड़ेगा, उस समय तो गूगल भी नहीं होता था, और गूगल होता भी था तो अपने पास फोन नहीं था कि जिसमें गूगल चले, अपने पास वो नोकिया का फोन था। एंड देन उसका लीगल नोटिस आया मुझे, और उसने कुछ मुझसे 6 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन मांगा। हाँ 6 करोड़, बोला मेरा इतना प्रॉफिट तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हुआ है,
आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, तो फिर मैं आपके खिलाफ क्या करूंगा, केस फाइल करूंगा। मैंने उसको फोन किया, मैंने सर माफ कर दो, बच्चा हूँ छोटा सा, आपका छोटा भाई हूँ सर, मैं टीचिंग छोड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ। मैंने ऐसे ही बोला, मैं टीचिंग छोड़ देता हूँ, 6 करोड़ रुपये करने से अच्छा टीचिंग छोड़ दो। तो ठीक है यार, अब मत करना यार दोबारा, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। मेहनत मेहनत कुछ नहीं थी सर, उसकी भी मॉड्यूल से कॉपी था, कुछ नहीं था मेहनत मेहनत। और 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मैंने उस दिन एकदम यहां पे लग गई थी, 2 साल के अंदर वो जो फैकल्टी थे विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने पुणे के मार्केट में ऐसा कर दिया कि मेरे नोट्स के अलावा किसी और के नोट्स बिकते ही नहीं थे। 2 साल मैंने मेहनत किया, मतलब पहले तो मैंने कॉपी कॉपी करके सब खेल खेल लिया, बट देन आई वर्क हार्ड। तो कॉपीराइट एक्ट, इट्स अ वेरी डेंजरस लॉ, और अगर सीरियसली अप्लाई किया ना तो लोग जेल जा सकते हैं। सीरियसली अगर लॉ को अप्लाई किया तो लोग क्या कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं। नाउ एनीवे, सो एक बार छोटा सा पैरा बस करना आज के लिए। सबको मन में है कि हाँ बोल दें बस, लेकिन फर्स्ट डे है, इंप्रेशन भी बनाना है। अगर फर्स्ट डे हमने सर से बोल दिया कि बस करें, तो सर को लगेगा हम पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं। नहीं, आराम से बस करेंगे, जस्ट एक थोड़ा सा देख लो। IPR protection is very important for business, as when the inventions, copyrights and trademarks of the business houses will be protected, they will be encouraged to make more invention copyrights, which will boost the business activity. Language से familiar हो? Language समझ में आ रही है? और कहीं पर भी like I have tried everywhere कि आपको ना वो एकदम hardcore legal language ना पढ़नी पड़े, and in the same language you will write your answer. आप अपने answer भी क्या करोगे? सेम लैंग्वेज में ही लिखोगे। मॉड्यूल वाली लैंग्वेज तो पढ़ोगे क्या, याद करोगे क्या, और लिखोगे क्या, भगवान ही मालिक है। सो जस्ट आपको 1 मिनट, ये इंग्लिश वही है जो शायद आपने 11th 12th में पढ़ी थी, सेम इंग्लिश है। कहीं कहीं पे सब्जेक्ट टू आएगा, प्रोवाइडेड दैट आएगा। अब उसके लिए प्रिपेयर रहना यार, इतना भी मैं फ्री करके नहीं दे सकता ना। IPR प्रोटेक्शन हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो, विच इज क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाँ या ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके बिजनेस को क्या करती है? एप्पल ने iPhone 7 के ऊपर कुछ भी नहीं निकाला होता, एप्पल ने अगर iPhone 7 के ऊपर कुछ भी नहीं निकाला होता तो क्या होता? हाँ, एप्पल का मार्केट डाउन होता, मोदी नाराज होता, और जीएसटी कैसे मिलता? जब तुम फोन खरीदोगे तभी जीएसटी मिलता है ना। ना, सो हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा इनोवेशन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, लोगों की चाहत उतनी बढ़ेगी, देन जितनी लोगों की चाहत बढ़ेगी, लोग उतना मर मर के मेहनत करेंगे। जितना लोग मर मर के मेहनत करेंगे, दो अर्न मोर, आप ज्यादा कमाओगे, ज्यादा टैक्स भरोगे, ज्यादा इच्छाएं पूरी करोगे, ज्यादा लोगों को रोजगार दोगे। सो हमेशा याद रखना बच्चों, इनोवेशन इज की, इनोवेशन इज की। जोमैटो इनोवेशन है, स्विगी इनोवेशन है, जेप्टो, डंजो, डंजो भी है ना, इनोवेशन है। व्हाट मोर, और कौन सा? बिग बास्केट, मेरी वाइफ का फेवरेट, पेटीएम, गूगल पे, ये सब इनोवेशन है बाबा, और इनकी चलती इकॉनमी बढ़ रही है। अब तुम, आप सब लोगों ने, 90% ऑफ यू हैव पेड द फीस थ्रू गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। कितना आसान हो गया यार, पूरा कश्मीर घूम के आके 200 रुपये लेके गया था, कितना जेब में रखा था? 200 रुपये थे जेब में, और 200 रुपये में क्या घूम के आया हूं? पूरा कश्मीर सब कुछ इस पे चलता रहा, एक जगह पे चला, भाग बंद हो गया फोन, पैसा देना है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, अटक गया था एक जगह पे, कश्मीर में घोड़े वालों को पैसा देना था, 800 रुपये, फोन बंद हो गया, वाइफ के पास ही पैसा नहीं, मेरे पास ही पैसा नहीं, घोड़े वाला लगा देता हमारे वाट, सर्वर तो फेल नहीं, फोन ही फेल हो गया ना, क्या करें क्या करें, बहुत टेंशन। फिर आर्मी वाले दिखे, आर्मी वालों को बताया कि ऐसी 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 बात है,
इंडियन आर्मी इज द आर्मी जिसका तुम जीवन भर एहसान नहीं चुका सकते। क्या क्या उन्होंने उन्होंने अपने फोन से गूगल पे करके घोड़े वाले को पैसा दे दिया एंड दे टोल्ड मी कि सर आप होटल पहुंच के मेरे को कर देना। इतना ट्रस्ट कोई करता है? अपन करने वाले हैं क्या? जस्ट मैंने सोचा, उल्टा करके देखा कि अगर मैं आर्मी वाला होता और ये दुष्यंत को मैं पैसा देता क्या? कभी नहीं था। एंड दैट्स वाई इंडियन आर्मी इज ग्रेट। फोन ने धोखा दे दिया बट इंडियन आर्मी ने साथ निभाया, नहीं तो घोड़े वाला तो जान ही नहीं रहा था। बच्चों बहुत खतरनाक होते हैं कश्मीरीज आर लाइक मतलब बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं भाई देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से क्रिएट होती है, जैसे कि नए आइडियाज, इन्वेंशन, डिजाइन, आर्टिस्टिक वर्क। आपकी इन सब क्रिएशन को कोई कॉपी ना करे, इसीलिए आईपीआर के लॉज बनाए गए हैं। इज दैट क्लियर? 2 मिनट। इसलिए हमने क्या बनाया? अच्छा, ये जहां पे भी चीजें डिफिकल्ट होती हैं वहां पे मैं आ जाऊंगा हिंदी में, मैं उसका नीचे क्या कर दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये आपको मेरी हर बुक में मिलेगा, जहां पे भी डिफिकल्ट चीजें आएंगी उसका नीचे हिंदी में क्या रहेगा, आपको एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है? तो जब तुम घर पे सेल्फ स्टडी करोगे हिंदी आएगा तो मुझे याद करना कि मैं हूं। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस? अबे क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस? खुशी, सुमन, सुमन ना लड़की का नाम भी होता है, पता क्या तेरे को? बट तूने खून लगा अपने नाम कि सुमन नाम की लड़की से प्यार करता था। बेटा कटा तो तेरा भी है। मैं सुमन से प्यार करता हूं, मैं सुमन से प्यार करता हूं, सुमन मेरी है, सुमन मेरी है। सुमन भाग गई किसी और के साथ तो इसने क्या कर लिया? अपने नाम रख लिया सुमन। हाँ मैं तो खुद से प्यार करता हूं। एनीवे मजाक चलता रहेगा भाई। हम हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, क्या नहीं से सेम चीज मैं बोल रहा हूं। जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएट होंगी बिजनेस उतना ग्रो करेगा, बिजनेस उतना ग्रो करेगा, इकोनॉमी में पैसा उतना आएगा, गवर्नमेंट उतनी रिच होगी, लोग उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे, लोग भी रिच होंगे। नाउ डेज ड्यू टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एवरी बिजनेस हाउस इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ इनोवेटिव सर्विसेज, रिसर्च रिलेटिंग टू न्यू प्रोसेस एंड यूज ऑफ इनोवेटिव आईटी इनेबल्ड प्रोसेस। क्या ये सारी चीजें सही हैं? कॉम्पिटिशन में सबको आगे जाना है, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो अहेड इन द कॉम्पिटिशन एंड दैट्स द रीजन कुछ ना कुछ नई नई चीजें वो कर ही रहे हैं। अभी सीए की क्लास में एक नया कंसेप्ट आया जो मुझे बहुत पसंद आया। कंसेप्ट क्या था कि उन्होंने एक पेपर दिया, ठीक है, क्वेश्चन लिखा एक्स 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 जो भी है, उसका आंसर आंसर नहीं लिखा उन्होंने, आंसर के बदले यूट्यूब की लिंक डाल दी। तो आपको क्या करना है? अगर आपको आंसर, आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो? यूट्यूब पे वो 5 मिनट का वीडियो, यू कैन सी एंड यू कैन राइट दैट आंसर। सो डोंट यू थिंक सो इट्स एन इनोवेशन? सो आज की तारीख में क्या हो रहा है, हर एक बिजनेस क्या कर रहा है, क्योंकि उसको कंपटीशन में क्या रहना है, आगे रहना है। टूथपेस्ट में नमक डाल दिया, रामदेव महाराज ने जीरा डाल दिया, अब मेरे ख्याल से बस एक टूथपेस्ट आना बाकी जिसमें काली मिर्च, धनिया, मेथी सबका बढ़िया पाउडर रहेगा। फिर बोलेंगे कि इसको खाना बनाने के टाइम में मसाला यूज कर लो और सुबह दांत भी घस लो। हर देखो कुछ भी कोयला डाल दिया आजकल, तो पता नहीं कोयले का तो पता नहीं ऐसा चलन हो रहा है इंडिया में। चारकोल फेस वॉश आता है, चारकोल फेस वॉश, चारकोल ब्रश, चारकोल पेस्ट, इसकी मां का पता नहीं क्या क्या चारकोल आ गया बच्चों, हर जगह चारकोल। और डॉक्टर भी कोई काम नहीं, ठेला बैठ रहता है डॉक्टर भी, हाँ चारकोल बहुत फायदा है, स्किन बहुत मस्त होता है। कुछ भी चल रहा है बच्चों, क्यों चल रहा है ऐसा? ड्यू टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। So when so much of innovation is involved and money is also expended on all these innovations, innovation ऐसे ही होता है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है, research करनी होती है, it becomes essential to protect these product, process and technology which provide a competitive edge to business houses। हाँ या ना?
जब इतना खर्चा करके कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, कोई नई प्रोसेस बन रही है, कोई नया फॉर्मूला बनता है, क्या नहीं से उसको प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है? तो कोई भी उसको क्या कर लेगा, आसानी से कॉपी कर लेगा। फिर मतलब क्या है, अगर इफ एनी वन कैन कॉपी इट, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? लॉज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। नाउ सी हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आईपीआर? मैंने बताया जिस समय हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा था, हमारे राजा महाराजा जहाँ पे अलग अलग महल वहल बनवा रहे थे कि भाई गर्मी में जब ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो प्यार करने के लिए जगह क्या है, तालाब के नीचे जल मंदिर, वो जल महल बना दिया। अपने यहां पे ये इनोवेशन अलग ही चल रहे थे बच्चों, अपने स्वैग ही अलग है। तो वहां पे नहीं, उनके भी सारे स्वैग थे, बट देवर हैविंग, मतलब वो लॉ की फील्ड में देवर डूइंग समथिंग गुड। सो सबसे पहले कौन सा लॉ बच्चों, वेनेशियन लॉ। क्या होता है वेनेशियन लॉ? बेसिकली इंग्लिश लॉज है। कौन से लॉज है बच्चों? इंग्लिश लॉज है। तो उन्होंने सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटेंट्स। क्यों पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? वहां पे जो भी तलवार और जो युद्ध में यूज होने वाले जो भी हथियार थे वो वहां पे क्या हो रहे थे बच्चों, वो काफी ज्यादा बन रहे थे। और वहां पे प्राइवेट सेक्टर आ चुका था। क्या आ चुका था वहां पे? प्राइवेट सेक्टर, मतलब वहां पे जो छोटी छोटी दुकानें होती थी वो भी काफी ज्यादा ग्रो करती थी। तो वहां पे सबसे पहले जो वेनेशियन लॉ है इसने कोशिश की किस चीज की, वही किस चीज की, इंग्लिश लॉ ने सबसे पहले कोशिश की किस चीज की, पेटेंट्स, इन्वेंशंस। और इन्वेंशन मतलब बेसिकली क्या, आपके युद्ध में यूज होने वाले हथियार। द इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप एंड प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहेनस गुटनबर्ग अराउंड 1450 कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट कॉपीराइट सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, मूवेबल टाइप एंड प्रिंटिंग प्रेस, बेसिकली टाइपराइटर और प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले तो ये क्रिएट हुआ। कब क्रिएट हुआ? 1450। समझ रहे हो बच्चों अपन कहां थे, मतलब इंडिया क्या कर रहा था 1450 में, भगवान ही मालिक है। तो 14 अपन अकबर बीरबल खेलते शायद उस समय, मुगल्स आ गए थे 1450 क्या, नहीं भी आता कुछ। तो बच्चों जब हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ चल रही थी, उन्होंने क्या किया बच्चों, उनके यहाँ पे मूवेबल टाइप और प्रिंटिंग प्रेस जैसी मशीन्स और जो भी चीज़ें वो बन गई थी। और उसके ऊपर उन्होंने उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कॉपीराइट, मतलब उसके ऊपर पेटेंट नहीं हुआ उस समय, उसके ऊपर क्या दिया उन्होंने, मूवेबल टाइप और प्रिंटिंग प्रेस, उसके ऊपर उन्होंने क्या दिया, कॉपीराइट दिया। अभी लेकिन आज की तारीख में हम पेटेंट देते हैं, क्या देते हैं आज की तारीख में, पेटेंट देते हैं। तो 1450 से उनके यहां पे कुछ ना कुछ चल रहा है इस जगह पे। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, न्यू आइडियल्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, द इमर्जेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड नेशनलिज्म लेड मेनी कंट्रीज टू एस्टैब्लिश देयर ओन मॉडर्न आईपीआर लॉज। कैन आई से नए स्टैंडर्ड्स, आइडियल्स मतलब स्टैंडर्ड्स, कैन आई से इंडस्ट्रियलिज्म के, उद्योगीकरण के नए बेंचमार्क क्रिएट हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। खत्म होते होते इंडस्ट्रियलिज्म काफी आगे बढ़ा है। देन सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, कैन आई से लगभग वर्ल्ड की हर एक कंट्री में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, राजा महाराजाओं का एक्सेप्ट। हाँ राजा महाराजा भी जहां पे है वहां पे भी गवर्नमेंट तो है ही ना, तो गवर्नमेंट आ गई। और उसके बाद नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, नहीं हमारे देश के लिए वी विल हैव सेपरेट लॉ, वी विल हैव सेपरेट लॉ फॉर आवर नेशन। सो ये सारी चीजों के चलते लगभग हर एक देश ने क्या कर लिया बच्चों, हर एक देश ने अपने अपने मॉडर्न क्या बना लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना लिए। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। किसका योगदान है बच्चों? बहुत बड़ा, WTO। नाउ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड टू टेक शेप विद द सेटिंग अप ऑफ व्हाट बेटा, क्या लिखा है यहां पे, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ध्यान से देखिए, पेरिस कन्वेंशन
एंड बर्न कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? अरे आज वहां पे कन्वेंशन है, मुझे जाना है. क्या है? मीटिंग. सिंपल. सो व्हाट इज पेरिस कन्वेंशन? कुछ नहीं. व्हाट इज बर्न कन्वेंशन? पेरिस में सारी यूरोपियन कंट्रीज की मीटिंग हुई, बर्न में सारी यूरोपियन कंट्रीज की मीटिंग हुई. किस लिए मीटिंग हुई? हम लोग तो बच्चों, कोई भी कन्वेंशन होती, कन्वेंशन में क्या होता है बच्चों? कहना इसे कन्वेंशन में सारी कंट्रीज, जितनी भी उस कन्वेंशन मीटिंग में कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, व्हाट डू दे डू? उस कन्वेंशन में दे टेक ऑन सम डिसीजन टुगेदर. दे टेक ऑन सम डिसीजंस टुगेदर, मिलके कुछ तो डिसाइड करते हैं. सो पेरिस कन्वेंशन वॉज फोकस्ड ऑन वॉट बेटा? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट्स को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. इन्वेंशंस आर मोर एसोसिएटेड टू इंडस्ट्रीज ना. इन्वेंशंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना. और बर्न कन्वेंशन किसके लिए हुई बच्चों? कॉपीराइट्स के लिए हुई. बर्न क्या है? बर्न इज अ सिटी इन हंगरी. यस यस, बस दो मिनट. बर्न इज अ सिटी, आई थिंक हंगरी या ऑस्ट्रिया में कोई तो सिटी है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल. शादी के बाद अपनी बीवी को लेके जाना, अपने पति के साथ जरूर जाना, वरना हनीमून वहीं का रखेंगे. ठीक है ना? और कंपनी सेक्रेटरी शादी मत करना, इन तो वो तुमको ऊटी घुमा के ले आएगा, जैसे कि मैंने किया था ना. ना सो इट्स दीज बोथ सिटीज आर वेरी ब्यूटिफुल, पेरिस एंड बर्न. तो यूरोप में जितनी मीटिंग्स होती हैं यही होती हैं. पेरिस हो गया, बर्न हो गया, हेग करके एक शहर है, वियना हो गया, उरुग्वे करके एक शहर है, वहां हो गया. सो ये सारी जो कंट्री है, ये सारी जो सिटीज हैं, यहां पे मीटिंग होती है. तो पेरिस कन्वेंशन में दे मेट, सारी यूरोपियन कंट्रीज के लोग मिले और उन्होंने एक डिसीजन लिया. क्या लिया? कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज क्या करेंगी, अपनी अपनी कंट्री में क्या करेंगी, पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाएंगी, लॉ बनाएंगी. इससे क्या होगा? यूरोप का एक शहर मजबूत होगा, एक देश स्ट्रांग होगा, या सारे देश स्ट्रांग होंगे? सारे देश. और दूसरा, बर्न में क्या हुआ? हर कंट्री, यूरोप की हर कंट्री ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे, ताकि उन कंट्रीज के जो भी आर्टिस्ट हैं उनको क्या मिले? एक सपोर्ट मिले. ये सुनो, और 1856 में अपन क्या कर रहे थे? हम तो आजादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए इन सब चीजों के लिए अपने पास टाइम था. हम तो गुलाम कंट्री थे ना यार. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं, इंडिया में भी लॉ बनाया. क्यों बनाया इंडिया में लॉ? ताकि अंग्रेजों के द्वारा इन्वेंट किया गया कोई भी चीज इंडियन कॉपी ना कर पाए. अंग्रेजों ने जो लॉ ब्रिटेन में बनाया, उन्होंने इंडिया में भी वो लॉ बनाए. लेकिन क्यों बने? ताकि हम ब्रिटिशर्स का कोई भी इन्वेंशन क्या ना कर पाए, इंडियंस जो है वो कॉपी ना कर पाए. सो ये दुकान तो कहना इसे इंटरनेशनली भी एफर्ट लिए गए. 1883 में पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 1886 में ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुई? कन्वेंशन हुई. ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आईपीआर थ्रू व्हाट बेटा? विच एग्रीमेंट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी क्या करती है? आईपीआर को प्रोटेक्ट करती है. किसके थ्रू? ट्रिप्स अग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज ट्रिप्स? ध्यान से किए प्लीज. यू ऑल हैव हर्ड अबाउट यूनाइटेड नेशंस. खुशी बस ऐसा बोल रही है कि सर बस मार दूंगी आपको, लेक्चर छोड़ दो. अच्छा ठंड लग रही है. ओके, चेहरे से ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा था ये सर बस बहुत हो गया. ऑलरेडी 26 पे चल रहा था, बस 5 मिनट और. नाउ थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं. सो बेसिकली
यूनाइटेड नेशंस, यू ऑल नो अबाउट दिस, सुना होगा आपने यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे विंग्स हैं, जैसे एक विंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, सबके बीच में क्या हो, ट्रेड आसानी से हो, इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी आसानी से हो, पहली चीज़। यूनाइटेड नेशन का एक और विंग है वीपो। व्हाट इज वीपो? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। वीपो का काम क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पल्सर, इट्स एन इंडियन बाइक, ये इंडियन बाइक है? कौन सी बाइक है? ये इंडियन बाइक है। चाइना ने एक बाइक बनाई जिसका नाम क्या रखा? गल्सर। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, मिल जाएगी। कौन सी बाइक बनाई? गल्सर। और उसके ऊपर क्या ले लिया चाइना में? क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया। ठीक है, नाउ बजाज को इससे प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि बजाज ने ऑलरेडी अपना पेटेंट पल्सर का चाइना में भी रजिस्टर करवाया था। बजाज ने अपना पेटेंट कहां पे रजिस्टर करवाया था? पल्सर का। लेकिन फिर भी चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइना की कंपनी को सेम बाइक बनाने की इजाजत दी। कौन से नाम से? गल्सर। नाम भी साला सेम है, पेटेंट तो कॉपी किया ही किया, ट्रेडमार्क भी कॉपी किया। और चाइना में आप गवर्नमेंट, बस चाइना में आप गवर्नमेंट के खिलाफ, किसका? चलो मैं बस एक मिनट, चलो बच्चों बाकी कल करते हैं अपन, गल्सर पल्सर कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।